हम लोगों ने डिपोजिटरी सिस्टम स्टार्ट किया था और डिपोजिटरी सिस्टम के बारे में हम लोगों ने सबसे पहले बातचीत की थी और वो बातचीत ये थी कि ये सिस्टम आया कहां से, इस सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी। वहां हमने जो है हर्षद मेहता स्कैम और कुछ बातें की थी और उन बातों को करने के बाद हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से पहले जब कंपनी के शेयर इशू किए जाते थे तो फिजिकल फॉर्म में एप्लीकेशन होता था, उस एप्लीकेशन को आप पढ़ते थे, एप्लीकेशन वगैरह सब हमने देखा था। एप्लीकेशन में आप क्या लगाते थे, डिमांड ड्राफ्ट और चेक, जो अमाउंट का था वो लगाते थे, वो कंपनी तक जाता था ब्रोकर के जरिए या जो इंटरमीडियरीज है उनके जरिए, उसके बाद वहां से सर्टिफिकेट इशू होता था, उन्हीं ब्रोकर इंटरमीडियरीज के जरिए उन तक पहुंचता था, वापस हम उनके पास जाते थे, वो सर्टिफिकेट हमारा दे देते थे। इसी बीच में उन्होंने गड़बड़ घोटाला किया और वो गड़बड़ घोटाला क्या किया कि जो ये एप्लीकेशन फॉर्म है ये एप्लीकेशन फॉर्म नकली छपवाया, अपने पास ही रखा, जो चेक और डिमांड ड्राफ्ट थे अपने जो है वो अकाउंट में जो है वो डलवाया और कंपनी तक कुछ भी नहीं गया, जो सर्टिफिकेट कंपनी ने इशू किया जेन्युइन लोगों को उसी की कॉपी बनाई, उसी का नकल किया और वैसे मिलता जुलता सर्टिफिकेट बना करके सामने वाले को दे दिया। जब लोग इसे बेचने के लिए गए तब जाकर के इस बात का पता चला कि ये जो है वो आपका नकली शेयर सर्टिफिकेट है, ऐसा कोई तो शेयर इशू ही नहीं हुआ है क्योंकि कंपनी के डेटाबेस में कहीं उनका कोई रिकॉर्ड नहीं था। तो यहां जाकर के जो है वो आपका जो है वो फ्रॉड सामने आया। जब फ्रॉड सामने आया तो दो दो कमिटी बनी, उन दोनों कमिटी को बेसिकली कहा गया कि आप सुझाव दें ताकि आने वाले दिनों में जो है वो कभी भी इस तरह की घटना दोबारा ना हो। तो उस कमिटी ने दो तरह के सुझाव दिए, यानी दो कमिटी दो तरह के सुझाव। पहला, एक कमिटी ने कहा कि क्यों ना हम एक ऐसा जो है वो बेसिकली सिस्टम बनाए जिससे एप्लीकेंट तक जो ये शेयर सर्टिफिकेट पहुंचता है ये जो है वो उस बॉडी तक ही रहे, इस डिपॉजिटरी सिस्टम तक ही रहे और ये सर्टिफिकेट ये खुद चेक कर ले कि ये असली है या नकली है और इनके पास ही ये रहे और ये बस एप्लीकेंट को बता दे कि आपके इतने शेयर्स जो है का सर्टिफिकेट हमारे पास है, कल के डेट में इन्हें बेचना रहे, ये इन्हें इंस्ट्रक्शन दे, यहां से प्रोसेस हो, फिर से जो है सर्टिफिकेट चेंज होकर के यहां वापस आ जाए और फिर इंटीमेशन चला जाए कि अब ये सर्टिफिकेट दूसरे के नाम से इस नाम का शेयर सर्टिफिकेट आ चुका है, ताकि अगर कहीं भी बीच में कोई गड़बड़ घोटाला होता है, कुछ भी जो है वो इसमें चेंजेस वगैरह आते हैं तो क्या हो सके, वो जो है बेसिकली पता चल सके, उसका जो है वो पता चले कि ये असली है या नकली है। यानी कि एक ऐसा का सिस्टम बनाने जहां पे शेयर सर्टिफिकेट एक तरह से इमोबिलाइज्ड होकर के रखा रहेगा। दूसरा भी हमारा कमिटी था, दूसरे कमिटी ने क्या सुझाव दिया, ना रहेगी बांस ना बाजेगी बांसुरी, शेयर्स ना रहेंगे फिजिकल फॉर्म में ना इसमें क्या होगा कोई घोटाला होगा, किसका, फिजिकल फॉर्म का। उन्होंने कहा कि सर्टिफिकेट का कोई इश्यू ही नहीं रहेगा, जैसे पैसे हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में बैंक में रहते हैं तो उसमें असली और नकली नोट नहीं हो सकता, ठीक वैसे यहां पे क्या करेंगे, पैसे हमारे अगर करेंसी में है गद्दी है तो पता चला उसमें एक दो नोट नकली निकल गए, लेकिन अगर अकाउंट में आपके पैसे तो क्या उसमें से कोई 500 या 2000 का नोट नकली कभी निकलेगा भविष्य में। अगर आपके पास 10,000 20,000 है वो सारे असली, अगर आप अकाउंट के थ्रू ट्रांजेक्शन करेंगे तो कभी भी सामने वाले के पास कोई नकली चीज नहीं जाएगा, अकाउंट टू अकाउंट ट्रांजेक्शन होगा। ठीक ऐसे यहाँ पे भी इन्होंने कहा कि हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर्स अपने पास रखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में उसमें डील करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में उसका ट्रांजेक्शन होगा, यानी कि बाय सेल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होगा। कहा बड़ी अच्छी बात है भाई, अगर ऐसा होगा तो कहा कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में करेंसी में आप डील करते, मनी में डील करते, जब आपके लिए आपके पास क्या है, बैंकिंग सिस्टम है, और इस बैंकिंग सिस्टम का मतलब है कि आपके इस बैंकिंग सिस्टम में कुछ कंपोनेंट है, आरबीआई बैंक और हम और आप जो अपना सेविंग अकाउंट ओपन करते हैं, अगर हम और आप इस बैंकिंग सिस्टम में कहीं ना कहीं पार्ट हैं तो ही जाकर के इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जो है वो क्या होगा, मनी में डील होगा, बैंक को लाइसेंस लेना पड़ेगा आरबीआई से और यहाँ पे बैंक होंगे, हम और आप अपने पसंद के किसी बैंक के पास जाएंगे और अपना अकाउंट ओपन करेंगे, आपका अकाउंट एसबीआई में, किसी दूसरे का अकाउंट आईसीआईसीआई में, तो भी वो एक दूसरे को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में क्या कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। रीजन, आपको बस कनेक्ट होना है इस बैंकिंग सिस्टम से, जो जो इस बैंकिंग सिस्टम से कनेक्टेड है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में एक दूसरे के बीच में डील कर सकते हैं। ठीक इसी तरह से इस बैंकिंग सिस्टम की तरह हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ा कौन सा सिस्टम,
डिपोजिटरी सिस्टम। जब हमने बैंकिंग सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया तो इसके लिए एक्ट बना जो इसे गवर्न करेगा, आरबीआई एक्ट हमारे पास है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट हमारे पास जो है वो है। तो ये दोनों जो है वो कहिए एक्ट रूल्स रेगुलेशन के जरिए जो है आप जो है वो बैंकिंग सिस्टम को कंट्रोल करते हैं कि कौन बैंक बन सकता है, कैसे बैंक काम करेगा, बैंक से किसी को गिला शिकवा है तो कैसे आरबीआई के पास जाएगा, आरबीआई के ऊपर किस किस तरह का ऑब्लिगेशन है, कैसे वो ओम्बुड्समैन बनाएगा, बड़े सारे चीज है। ठीक वैसे जब हमने डिपोजिटरी सिस्टम बनाया तो इसमें भी आरबीआई की जगह पैरेलल में हमने डिपोजिटरी बनाया, बैंक की जगह यहां बनाया डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट। जैसे यहां पे क्लाइंट और अकाउंट होल्डर है वैसे यहां पे भी क्लाइंट और अकाउंट होल्डर होंगे। यहां जैसे सेविंग अकाउंट है इस अकाउंट का नाम डीमैट अकाउंट है। तो अब अगर हमने डिपोजिटरी सिस्टम बनाया तो इसके लिए भी हमें एक्ट वगैरह बनाना पड़ेगा जिससे ये सिस्टम आपस में क्या होगा, गवर्न होगा। जब भी हम कोई सिस्टम बनाते जैसे हमने फाइनेंशियल सिस्टम बनाया था तो हमने वहां बात की थी कि हर सिस्टम का एक पर्पस होता है। तो हमने जब फाइनेंशियल सिस्टम बनाया था तो उस फाइनेंशियल सिस्टम का भी एक क्या था, पर्पस था। और उस फाइनेंशियल सिस्टम का पर्पस था कि आपका फाइनेंशियल नीड पूरा हो। बैंकिंग सिस्टम बनाया तो आया कि आपका बैंकिंग ट्रांजेक्शन का नीड पूरा हो, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आप ट्रांजेक्शन कर सके। अब जब डिपोजिटरी सिस्टम बनाया तो इसका भी एक पर्पस है कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आप शेयर्स को होल्ड कर सके, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर्स में ट्रांजेक्शन हो सके। तो इसके लिए फिर से हमें एक्ट बनाना पड़ा और वो था हमारा डिपोजिटरी एक्ट 1996 और इसी के ऊपर में हमने रूल बनाया डिपोजिटरी एक्ट। अब आप देखिए सेबी ने डिपोजिटरी एंड डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट रेगुलेशन बनाया था वो सब इसी डिपोजिटरी सिस्टम को क्या करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। तो ये जो हमारा डिपोजिटरी है ये आरबीआई की तरह है। अब आपके एग्जाम में कभी कभी पूछ भी देता है हाउ डिपोजिटरी इज वर्किंग लाइक आरबीआई, इसको ओपन एंडेड क्वेश्चन बोलते हैं। बहुत स्मार्ट तरीके से जितनी भी बात मैंने पिछले क्लास में सुनाई थी उन सबको जो है वो मिक्स करके तब इस तरह के आंसर को आप तैयार कर सकते हैं कि आरबीआई इज वर्किंग लाइक डिपोजिटरी या डिपोजिटरी इज वर्किंग लाइक आरबीआई। अब यहाँ पे आपके डिपोजिटरी हुए, डिपोजिटरी के भीतर डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट, और तब हम और आप अपना जो है वो डीमैट अकाउंट जो ओपन करेंगे जिसके बाद हमारा इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर्स हम रख सकते हैं या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर्स में क्या कर सकते हैं, ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ तब होगा जब हमारा डीमैट अकाउंट होगा और हम अपने च्वाइस के किसी भी डीपी के पास जा सकते हैं। अपने च्वाइस के डीपी के पास जाने का मतलब हमने पिछले क्लास में बात की थी कि कुछ डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट आपको कहेगा कि भाई हमारे पास आएंगे तो हम सर्विस देंगे, कुछ कहेगा हम फोन पे भी सर्विस दे देंगे, कुछ कहेगा कि रियल टाइम में आपको टर्मिनल दिया हुआ आप खुद से वो काम कर लीजिए। जो जितना ज्यादा सर्विस देंगे उतना ही ज्यादा उनका अकाउंट ओपनिंग चार्ज और एनुअल मेंटेनेंस चार्ज उतना ही ज्यादा होगा। ठीक उसी तरह कि अगर आप ग्रामीण बैंक में अकाउंट ओपन करते हैं फैसिलिटी कम मिलेगी, सिर्फ चेकबुक मिलेगा, एटीएम वगैरह कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन मिनिमम बैलेंस से 500 रुपया रहेगा। अगर आप एसबीआई में अकाउंट ओपन करते हैं एटीएम मिलेगा, इंटरनेट बैंकिंग मिलेगा, चीजें मिलेगी, 1000 रुपया या 5000 रुपया का मिनिमम बैलेंस रखना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर से जो है वो पैसे ले जाए, अगर आपके पास पैसे हैं डिपॉजिट करने के लिए और जब आपको पैसे चाहिए तो आपके घर पे पहुंचा दे, डिमांड ड्राफ्ट बना करके घर पे आ जाए, ऐसी फैसिलिटी चाहिए तो ये फैसिलिटी भी अवेलेबल है। कोटक आईसीआईसीआई में 50,000 और 1,00,000 का मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना रहता है। मेरे कहने का मतलब बस इतना है कि जिस तरह से बैंक में आप अपने वेरियस नीड को देखते हुए और आप कितना बैलेंस रख सकते हैं उसको देखते हुए अपना सेविंग अकाउंट अलग अलग बैंक में ओपन करते हैं, लेकिन वो बैंक ही होता है और वो कहलाता सेविंग अकाउंट ही है, फीचर्स जो है वो थोड़े इनहांस हो जाते हैं और उसी बेसिस पे आप उनको क्या पे करते हैं, आप बैलेंस मेंटेन करते हैं और उनका भी जो है एनुअल मेंटेनेंस चार्ज जो होता है जो एटीएम और बाकी चीज के नाम पे लेते हैं वो उसी अकॉर्डिंग हाई रहता है जितनी ज्यादा फीचर्स को देते हैं और फैसिलिटी देते हैं। ठीक उसी तरह से जब आप कहां पे रहते हैं, जब आप डिपोजिटरी सिस्टम में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आप शेयर्स में क्या कर रहे हैं, डील कर रहे हैं, तो ऐसे केस में आपको क्या करना रहता है, ऐसे केस में आपको जो है वो चुनना रहता है कि आप किस डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट के पास जाएंगे, जितना ज्यादा वो फैसिलिटेट आपको करेगा उतना ही उनका एएमसी और बाकी ट्रांजेक्शंस कॉस्ट होंगे। तो अब हमें इस डिपोजिटरी सिस्टम के तीनों विंग को पढ़ना था कि भाई डिपोजिटरी कौन बन सकता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट डिपोजिटरी कौन बन सकता है और कैसे बन सकता है, क्या प्रोसीजर है, डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट जो है वो कौन बन सकता है यानी एलिजिबिलिटी क्या है,
कैसे बन सकता है, यानी प्रोसीजर क्या है, डीमैट अकाउंट कौन ओपन कर सकता है, कैसे ओपन कर सकता है, ये तीन चीज को पढ़ने के बाद ही हम इस डिपॉजिटरी सिस्टम के तीनों कंपोनेंट को जान पाएंगे। और इन तीनों कंपोनेंट को जानने के बाद ही हम जान पाएंगे कि आखिर अगर यहाँ पे डिपॉजिटरी सिस्टम के जरिए शेयर्स खरीदा बेचा जा रहा है तो कैसे शेयर्स खरीदा और बेचा जाता है ऑनलाइन, यानी कि मैकेनिज्म जानना रहेगा। तो हमने एक एक करके चीजों को जानना शुरू किया था। सबसे पहले हम लोगों ने जो है वो बैंक अकाउंट और डीमैट अकाउंट के बीच में एक कंपैरिजन किया था कि कैसे बैंक अकाउंट में हम पैसे रखते हैं, डीमैट अकाउंट में सिक्योरिटीज रहता है, कोई कैश कोई पैसा वहां नहीं रहता है। कैसे आप एन नंबर ऑफ जैसे बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हैं, वैसे एन नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं। बैंक अकाउंट में आपको मिनिमम बैलेंस मेंटेन करना रहता है, इन जनरल डीमैट अकाउंट में कोई मिनिमम बैलेंस नहीं कि आपको एक ना एक शेयर रखना ही पड़ेगा। दोनों जगह नॉमिनेशन फैसिलिटी अवेलेबल है, दोनों के लिए जो है पैन होना जो है वो जरूरी है। ये आप बैंक में ओपन करते हैं, और डीमैट अकाउंट कहाँ ओपन करते हैं, डीपी के पास जो है वो ओपन करते हैं। नंबर अकाउंट का कोई जो है वो रेस्ट्रिक्शन नहीं है। फिर हमने देखा था कि क्या फायदा है बेसिकली डीमैट अकाउंट का, क्या फायदा है शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रखने का, क्या फायदा है डिपॉजिटरी सिस्टम का। तो हमने देखा था कि ये सेफ तरीका है, आपके सर्टिफिकेट चोरी हो सकते हैं, वो म्यूटिलेट हो सकता है यानी घिस सकते हैं, उस पर कुछ गिर सकता है, आने वाले दिनों में कहीं उसका प्रिंट खराब हो गया तो बैड डिलीवरी में चला जाएगा। ये सब चीज आपके इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रहने पर नहीं होगा। और इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट, अगर आप फिजिकल फॉर्म में शेयर्स में डील कर रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, तो स्टाम्प ड्यूटी एप्लीकेबल होता था, जो कि अगर आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कर रहे हैं तो कहीं पे कोई भी स्टाम्प ड्यूटी की एप्लीकेबिलिटी नहीं है, पेपर वर्क इसमें कम है। आपको अगर शेयर्स बेचना है फटाक से इंस्ट्रक्शन दीजिए बिक जाएगा, लेकिन अगर फिजिकल फॉर्म में है तो कुरियर से शेयर ट्रांसफर डीड लग करके जाएगा, फिर वहां से शेयर बन करके आएगा तो आप बेच पाएंगे। अगर आपको प्लेज करना है यानी कि शेयर्स को गिरवी रख करके बैंक वगैरह से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या और किसी से लोन वगैरह लेना है तो वो काम आपका क्या हो जाता है, वो काम यहां आसान है। किस फॉर्म में रहने पे, जब शेयर्स इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में रहता है। तो ये सारा चीज हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया था, और फिर हमने एक एक करके जो है वो पढ़ना शुरू किया था। सबसे पहले हमने पढ़ना शुरू किया था डिपॉजिटरी के बारे में। हमने बात की थी कि इस समय हमारे पास कितने डिपॉजिटरी हैं एज ऑन डेट, दो, एक है NSDL एक है CDSL। सबसे पहला जो डिपॉजिटरी बना एक्ट 1996 में आया, NSDL बना। NSDL को बनाने वाले थे IDBI, UTI और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। जैसे कंपनी लॉ में हम बोलते हैं जो कंपनी को बनाने के लिए आइडिया कंसीव करे, स्टेप इन करे, उसके लिए प्रोसीजर फॉलो करे, वो प्रमोटर कहलाते हैं। यहाँ पे प्रमोटर की जगह कौन सा वर्ड हम यूज करते हैं, स्पॉन्सर। ठीक वैसे ही जैसे आपका NSDL बना, वैसे ही आपका 3 साल के बाद इनके बिजनेस को देख करके फिर जो है वो एक डिपॉजिटरी बना, और वो था हमारा CSDL यानी CDSL, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। इसमें जो है वो ICICI ने और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने मिलकर के इसे बनाया। हमने ये भी डिस्कस किया था कि ICICI और ICICI बैंक अलग अलग है, IDBI और IDBI बैंक अलग अलग है। IDBI और ICICI क्या है ये, अगर बैंक नहीं है तो फिर ये क्या है, PFI, वेरी गुड। फिर हमने ये देखा कि भाई कौन कौन से लोग इलिजिबल स्पॉन्सर है, यानी कि क्या मैं भी जो है वो अगर हम और आप मिलकर के भी कोई शेयर खरीद लो लिमिटेड बनाना चाहे तो क्या हम भी डिपॉजिटरी बन सकते हैं। तो इसके लिए हमने जानना शुरू किया कि कौन कौन इलिजिबल स्पॉन्सर है। इलिजिबल स्पॉन्सर का मतलब क्या होता है, इलिजिबल स्पॉन्सर का मतलब होता है कि वो पर्सन जो इलिजिबल है किस चीज के लिए, डिपॉजिटरी बनने के लिए, अप्लाई करने के लिए। तो हमने यहाँ पे जो है वो फिर देखना शुरू किया कि भाई कौन कौन लोग इलिजिबल है, कौन कौन चाहे तो डिपॉजिटरी का काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले निकल करके आया PFI, जिसके बारे में हम पहले भी जानते थे। फिर डिस्कशन किया कि किस तरह से ये नेशनल लेवल पे इंडस्ट्रीज वगैरह को लोन देते हैं, उनकी मदद करते हैं। हमें और आपको जो है वो बैंक लोन और कार लोन ये नहीं देते, हाउस लोन नहीं देते, पर्सनल लोन नहीं देते। बैंक, जिसको भी बैंक का स्टेटस मिला हुआ है वो चाहे तो क्या बन सकते हैं, डिपॉजिटरी बन सकते हैं, अगर प्रोसीजर पूरा करेंगे तो। फॉरेन बैंक, स्टॉक एक्सचेंज। अब स्टॉक एक्सचेंज के बगल में ये लिखा हुआ था, मैंने ये सब मतलब आपको बताया था कि सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट के अकॉर्डिंग स्टॉक एक्सचेंज एस्टैब्लिश होता है, और ये आपको पढ़ना भी बताऊंगा। इसके बाद का चैप्टर भी होगा वो स्टॉक एक्सचेंज में ही आएगा। इसके अलावा अगर ऊपर के चार नहीं है लेकिन और कोई भी कंपनी है जो किस बिजनेस में है, कौन सा बिजनेस प्रोवाइड करता है,
फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे एनबीएफसी और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया, बशर्ते उनमें कम से कम 75% स्टेक किसका हो? 1, 2, 3, 4 हाँ जी, पीएफआई, बैंक, फॉरेन बैंक, स्टॉक एक्सचेंज, इनमें से किसी एक का हो जाए या सबका मिलकर के हो जाए, ज्वाइंटली या सेपरेटली, कम से कम 75% स्टेक होना चाहिए। तो वो कंपनी जिस कंपनी में इनका कम से कम 75% स्टेक है, वो कंपनी भी एलिजिबल है क्या बनने के लिए? डिपोजिटरी बनने के लिए। इसके अलावा अगर कोई और जो है वो इंडिया से बाहर का कोई कंपनी है जो फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करती है और उन्होंने अप्रूवल किससे लिया हुआ है? सेंट्रल गवर्नमेंट से, वो भी एलिजिबल है डिपोजिटरी बनने के लिए। यहाँ पे हमने एक न्यूमेरिकल प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी किया था कि अगर ऐसा सिचुएशन रहा तो इस सिचुएशन में किस केस में कौन जो है वो एलिजिबल है स्पॉन्सर बनने के लिए। जब हम लोगों ने डिपोजिटरी का एलिजिबिलिटी कर लिया था तो हमने जो है वो प्रोसीजर पढ़ना शुरू किया। प्रोसीजर का मतलब होता है कि भाई हम एलिजिबल तो है, आप सीएस बनने के लिए एलिजिबल है, आपने एलिजिबिलिटी नॉर्म्स पूरे कर लिए, आप सीएसईटी कर लिया, एग्जीक्यूटिव में एडमिशन ले सकते हैं या ग्रेजुएट है, लेकिन एक प्रोसीजर भी आपको फॉलो करना है, कुछ डॉक्यूमेंट्स आपको देने हैं, आपको किसी जगह या तो वेबसाइट पे जाना है या रीजनल सेंटर्स पे जाकर के इनरोलमेंट लेना है। तरीका दिया हुआ है, प्रोसीजर दिया हुआ, फिर हमने वो तरीका और वो प्रोसीजर जो है क्या किया, तरीका और प्रोसेसर बेसिकली पढ़ना और जानना जो है वो शुरू किया। जब हमने ये तरीका और प्रोसेसर देखना शुरू किया तो इसमें क्या देखा कि सबसे पहले जो हमारा एप्लीकेंट है वो क्या करता है, जो स्पॉन्सर है वो एप्लीकेशन देते हैं। ये एप्लीकेशन जो है वो किनको दिया जाता है? सेबी को। और साथ में एप्लीकेशन के साथ साथ क्या क्या लगाएंगे? एप्लीकेशन फी और बायलॉज ऑफ डिपोजिटरी। बायलॉज मैंने आपको डिटेल में बताया था जिसमें डिपोजिटरी के सारे जो है वो तरीके लिखे रहेंगे कि उनके भीतर अगर कोई डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट बनेगा तो कैसे बनेगा, क्या रूल्स रेगुलेशन फॉलो किए जाएंगे, कौन कौन सा सिक्योरिटी पैरामीटर्स वो मेंटेन करेंगे, सब कुछ वो खुद से बताएंगे। और बायलॉज का मतलब होता है कि उन्होंने खुद से चीजों को बनाया है, कल के डेट में से भी अगर अप्रूव कर दे तो उनके द्वारा बनाया हुआ लॉ उनके ऊपर ही मैंडेटरी हो जाएगा और उसको फुलफिल नहीं करने पे कॉन्ट्रावेंशन माना जाएगा, फाइन पेनल्टी इम्पोज होगा। सेबी के पास एप्लीकेशन आया और सेबी ने इसका क्या कर लिया, सेबी ने इसका जो है वेरिफिकेशन किया। सेबी ने जब इसका वेरिफिकेशन किया तो दो बातें होंगी, या तो डिफेक्ट फाउंड होगा या डिफेक्ट फाउंड नहीं होगा। अगर डिफेक्ट फाउंड नहीं हुआ तो आपको क्या मिल गया, रजिस्ट्रेशन मिल गया। शुरू में सिर्फ और सिर्फ उन्होंने आपसे क्या लिया है, एप्लीकेशन मनी। क्यों एप्लीकेशन मनी लिया है, कि अगर पता चला कि आप एलिजिबल स्पॉन्सर ही नहीं है या जो आपने कागज पे लिख के दिया है वही कागज का डॉक्यूमेंट ही सही नहीं है तो ऐसे केस में वो आपको बता देंगे कि इन चीज को तैयार कीजिए। अगर आप तैयार कर लेते अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम पैसे लौटाने की जरूरत नहीं पड़ेंगे। ये जो एप्लीकेशन मनी है ये नॉन रिफंडेबल है, लेकिन ये जो रजिस्ट्रेशन फी है बहुत हैवी अमाउंट होता है, इसलिए उन्होंने कहा कि पहले आप एप्लीकेशन फी दें, हम चीजों को चेक करेंगे, अगर कोई दिक्कत नहीं हुई तो हम आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट दे देंगे, अगर कहीं कोई दिक्कत आ गया तो हम आपको समय देंगे। और वो समय कितना देती है सेबी डिफेक्ट को दूर करने के लिए, आपके डॉक्यूमेंट में अगर कोई डिफेक्ट वगैरह है तो 30 days है या मैक्सिमम 30 days है? मैक्सिमम 30 days में आपको जो है वो क्या करना है, इस डिफेक्ट को दूर करके एप्लीकेशन दोबारा दे देना है, कहीं कोई आपसे जो है वो क्या नहीं लिया जाएगा, एप्लीकेशन फिर दोबारा नहीं लिया जाएगा। लेकिन अगर आप 30 days में नहीं आते हैं तो ये एप्लीकेशन आपका लैप्स, फिर से कहां से शुरुआत करनी पड़ेगी, यहां से ही आपको फिर से क्या करनी पड़ेगी, शुरुआत करनी पड़ेगी और यहां से जो है वो प्रोसेस को स्टार्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप जो है वो यहां आप जो डिफेक्ट था उसको दूर करके अप्लाई कर देते हैं और चीजें अप्रूव हो जाती है, आपको अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट मिल गया। रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट मिलने के बाद अब ये हैवी अमाउंट आप जमा कीजिए, कितना समय है आपके पास, ये मैक्सिमम है या मिनिमम है? मैक्सिमम। अगर 15 दिनों में पैसे जमा नहीं किए तो फिर यहाँ फिर से जो है वो शुरुआत होगी, सारा एप्लीकेशन मनी वगैरह की आप दोबारा आपका एप्लीकेशन फिर से देना पड़ेगा, ठीक है। अब जब आपको जो है वो रजिस्ट्रेशन मिल गया, फी भी जमा कर दिया, तो अब डिपोजिटरी का जल्दी बताइए, डिपोजिटरी के कमाई का जरिया रिवेन्यू क्या है, क्यों कोई डिपोजिटरी बना है, समाज सेवा के लिए? दो सोर्स है, पहला बताइए सर, उसके क्लाइंट से जो
कंपनीज को, वो कंपनी जो इनको अपना डिपोजिटरी बनाएंगे वो इनको पैसे देंगे, एक जब इन्हें कंपनी अपना डिपोजिटरी बनाएगी, दूसरा बिल्कुल उनके भीतर जो डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट बनेंगे वो जो उनको कमीशन देंगे, वो जो उनको फी बेसिकली पे करेंगे, बिल्कुल ठीक। अब ये दोनों काम ये करेंगे तभी तो जो है वो इनका बिजनेस चलेगा, लेकिन सेबी ने कहा कि अभी नहीं, आपने अभी जो भी डॉक्यूमेंट हमें दिया है, अभी आप बिजनेस नहीं शुरू करेंगे, रजिस्ट्रेशन जरूर आपको दिया, आपको हमसे सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस लेना पड़ेगा। कहा भाई अब ये क्या बला है, ताकि आप अपना बिजनेस शुरू कीजिए, आप किसी के डिपोजिटरी बनिए या अपने भीतर डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट बनाइए, उससे पहले आपने यहाँ कागजों में जिन जिन बातों को दिया है उन्हें हम क्या करेंगे, चेक करेंगे फिजिकली। आपने बोला कि आपने ये सिस्टम बनाया है, आपने टेलीकास्ट के लिए ये सिस्टम बनाया है, आपके यहाँ से कोई फ्रॉड नहीं होगा, इसके लिए आपने वीसेट टेक्नोलॉजी अपनाया है, आप कहते कि हमारे पास इतने इंक्रिप्टेड डिक्रिप्टेड तरीके हैं डेटा स्टोर करने का, हमने मल्टीपल तरीका रखा है कि किसी का डेटा ब्रिच कभी नहीं होगा, मल्टीपल जगहों पे हमने जो है वो आप सर्वर अपना रखा है, ये जितना आप जो है वो तामझाम अभी तक आपने कागज पे दिया था, जिसके बेसिस पे हमने आपको क्या किया है, क्या प्रोवाइड किया है, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, अब जरा हम उसे क्या करेंगे, चेक करेंगे, और तब जाकर के जो है, और अब हम आप रिप्रेजेंटेशन वगैरह की जरूरत हुई तब तब हम आपको ये काम करने देंगे। तो अब यहां तक का सफर हमने पिछले एपिसोड में तय कर लिया, अब हम लोग यहां से आगे बढ़ते हैं। आगे जब हम बढ़ रहे हैं तो इससे पहले वाला जितने भी हमारे चीज है, जितने भी चीज है इसमें पीछे तक में आप सारे चीजों को फटाक से मुझे देख के बताइए, क्या यहां तक में कहीं कोई दिक्कत, कोई दुख दर्द, कोई गिला शिकवा, खोया पाया कुछ भी, और नहीं तो इजाजत दीजिए आगे बढ़ेंगे। बताइए बढ़े आगे, यस सर। चलिए अब आपको रजिस्ट्रेशन मिल गया, आप डिपोजिटरी या रजिस्ट्रेशन मिल गया, अब आपको क्या चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। मैंने कहा था फॉर्म इग्नोर कीजिए, सीओसीबी का मतलब क्या हुआ, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, ठीक है। तो सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस चाहिए, तो इसके लिए एप्लीकेंट क्या करेगा, देखिए तो यहां मे है या शैल है, तो शैल है, शैल है। अच्छा किसी ने कुछ मैसेज किया तो भाई प्लीज बता दीजिएगा, नहीं क्योंकि मेरा ध्यान पढ़ाने पे रहता तो नहीं देख पाते, क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए तो यहां पे हम लोग कह रहे हैं कि ये जो आपका है सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के लिए आपने क्या किया, अप्लाई कर दिया। सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के लिए जब आपने अप्लाई किया तो सेबी में भी देखिए क्या लिखा हुआ है, उनके पास भी शैल मेक वेरिफिकेशन, कौन कौन सा चीज, कि आपका नेटवर्थ मिनिमम कितना होना चाहिए, 100 करोड़। अब हम चेक करेंगे आपके सारे चीजों को, चाहे वो प्लांट हो, मशीनरी हो, जो भी चीज हो, तो प्लांट मशीनरी की जगह यहाँ क्या वर्ड ज्यादा सही है, इक्विपमेंट, बड़े बड़े इक्विपमेंट वो भी लगाते, सोचिए डिपोजिटरी कनेक्टेड होंगे डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट से, उन तक जो है वो कैसे सिग्नल जाएगा, इनको बड़े बड़े वीसैट सैटेलाइट सिस्टम अपना लगाना पड़ता है ताकि बीच में कहीं कोई मतलब जो है हैक ना कर ले। जरा सोचिए बैंक अकाउंट अगर कोई किसी का हैक कर लेता है तो देखते हैं कैसे बैंक कंट्रोल में उनके आ जाता है, ठीक वैसे यहां पे भी तो पैसे से ज्यादा कीमती चीज है, अगर आपके पास किसी के बैंक अकाउंट में 10,000 रुपया है और किसी के जो है वो डीमैट अकाउंट में इंफोसिस के जो है वो सोचिए 10,000 इक्विटी शेयर है, अब कौन ज्यादा बड़ा हो गया, इक्विटी शेयर, सोचिए तो 2-2 लाख रुपए का प्रॉपर्टी है, तो ऐसे केस में वहां सेफ्टी कंसर्न है या नहीं है। आप ऑर्डर लगाते हैं बाय और सेल का और उसका पेमेंट होता है, पता चला वो किसी और के अकाउंट में जा रहा हो तो यहां भी कंसर्न आएगा या नहीं आएगा, इतने सारे चीज का जब यहाँ पे कंसर्न है तो उन्होंने कहा कि हम इन्हीं चीजों को फिजिकली चेक करेंगे। सबसे पहला काम आपका नेटवर्थ कितना हो जाना चाहिए, मिनिमम 100 करोड़। आपने कागज पे पूरा कर दिया था, बता दिया था कि ये चीज है और कीमत कितने पहुंचा दी आपने, 100 करोड़ से ऊपर पहुंचाई होगी तभी ना हमने रजिस्ट्रेशन आपको दिया है। कागज पे तो आपने काम कर ही दिया था, क्योंकि कागज पे अगर काम ही नहीं होगा तो फिर हम आगे जो है वो आपको रजिस्ट्रेशन देंगे कैसे। तो कागज पे आपने जो काम दिखाया था 100 करोड़, दिखलाइए जरा ये 100 करोड़ का क्या है, 2 चेयर 100 करोड़ का नहीं,
तो जो चीज है वो दिखलाइए हमें बताइए। अब इसके बाद बायलॉज हैव बीन अप्रूव्ड बाय सेबी, बायलॉज अप्रूव का याद है, कल का मेरा जो दुखभरी कहानी थी याद है, चट चट क्यों लगे थे। तो बायलॉज अप्रूव होने का मतलब है कि पापा ने फाइनली क्या कह दिया कि ये टाइम टेबल ओके है, तब वो अप्रूव हुआ। वैसे ही आपने बनाया, यहाँ पे इस समय आपने दिया था और आपने अपने बायलॉज में जो तो प्रोविजन रख दिया था, और सारे प्रोविजन में कहीं भी आपने जो है वो कस्टमर और इन्वेस्टर का ध्यान ही नहीं रखा था, आपने कहीं भी पेनल्टी वगैरह का प्रोविजन बताया ही नहीं, प्रोसीजर बताया नहीं कि अगर आपके डीपी ने गड़बड़ की है तो कैसे जो है वो आप उसको फटाक से रिड्रेस करेंगे, कैसे जो इन्वेस्टर्स होंगे जिनका डीमेट अकाउंट आपके डीपी के पास होगा वो कैसे कंप्लेन को आप रिजोल्व करेंगे और अर्लीस्ट कैसे रिजोल्व करेंगे, क्या मैकेनिज्म बनाया है, नहीं दिया है उसकी क्लैरिटी, क्या करेंगे वो अप्रूव करेंगे सर। ये अप्रूव हो जाना चाहिए। नेटवर्क सिस्टम देखिए आ गया, नेटवर्क सिस्टम, डेटाबेस सिस्टम, जो आप डेटा रखेंगे, ऑटोमेटेड डेटा प्रोसेसिंग, ऑर्डर जब प्लेस होगा तो वो ऑर्डर ऑटोमेटिकली प्लेस होना चाहिए, वो प्राइस आने पे ऑटोमेटिकली जो है वो एग्जीक्यूट हो जाना चाहिए। ये सब मैकेनिज्म मैं पढ़ाऊंगा कि जब ट्रेड करते हैं हम, इस समय प्राइस 100 रुपया चल रहा है, मुझे बेचने का मन है 105 में, मैंने ऑर्डर लगा दिया है, तो 105 जब आए तो ऑटोमेटिकली मेरा ऑर्डर क्या हो जाना चाहिए, प्रोसेस हो जाना चाहिए, जो इंफॉर्मेशन आया है। कहने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, नेटवर्क सिस्टम जो है वो पूरी तरह से क्या होना चाहिए, दुरुस्त होना चाहिए। ऑर्डर अगर कोई लगा रहा है तो बीच में अगर कोई हैकर है तो वो नहीं समझ पाए कि ये ऑर्डर है या क्या है, क्योंकि जैसे ही मैं ऑर्डर लगाऊं वो इनक्रिप्ट हो जाए, इनक्रिप्ट होकर के इन्फॉर्मेशन जाए, जिस एंड पे ये इन्फॉर्मेशन पहुंचना है वहां जाकर के ऑटोमेटिकली डिक्रिप्ट हो, इन बिटवीन अगर कोई हैक भी कर ले तो उसे क्या हो, उसे वो चीज ना मिले। जैसे अगर मैं ये आसान शब्दों में बताऊं, थोड़ा फिजिकल तरीके से, तो आप समझ पाएंगे। अगर कोई एक चिट्ठी है, आपने किसी को संदेशा पहुंचाना है, आपने वो लिखा, और आपने जो है वो लिखा कैसे, मान लीजिए कि आपने जो है वो कुछ इस तरह के चीज, ये आपने लिख दिया। अब ये आपने लिखा है तो आपके लिखने के बाद ये कागज आपने जो है वो दे दिया, कबूतर के पैर में बांध दिया, कबूतर जा जा जा। अगर किसी और ने बीच में जो है कबूतर को पकड़ भी लिया तो मुझे बताइए क्या वो समझ पाएगा कि इसमें क्या लिखा हुआ है? लेकिन यही अगर दूसरे एंड पे पहुंचा तो उसे पता है कि इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है और इसका मतलब क्या है, क्योंकि आपने वो कोड आपस में जो है वो एक्सचेंज किया हुआ है। आई एम वेल या कम हेयर सून, जो भी चीज आपने जैसे भी करके लिखा है, मोर्स कोड जैसा चीज होता है, तो ये सामने वाले एंड पे डिक्रिप्ट हो जाएगा। ठीक वैसे ही जब इलेक्ट्रॉनिक वे में हो रहा है, अंतर बस इतना है कि कबूतर चिट्ठी नहीं ले जा रहा है बल्कि इंटरनेट के जरिए वो पाइप से जा रहा है ना, जिसको बीच में हैकर क्या करते हैं, हैक कर लेते हैं। अभी आपने कुछ कल ही कोई न्यूज आया था, किस चीज का जो है वो, अरे कहीं का बैंक वगैरह किसी चीज का आया है, कोई बड़ा इशू है। मिसेज मुझे ऐसे ही बता रही थी कि सुना है ये चीज हो गया, कुछ कल ही हुआ है, कुछ मेजर किसी जगह का जो है, कोई बड़े जगह का जो है वो साइट वगैरह हाइक हो गया, सारा इंफॉर्मेशन चला गया है, कुछ बड़े लेवल पे हाइकर ने किया है, उसको वापस ठीक लाने के लिए लगातार कोशिश हो रही थी। एनीवे, कहने का मतलब है कि अगर चीजें आपकी जो है वो इनक्रिप्ट डिक्रिप्ट मोड में है तो मुझे बताइए अगर वो हाइक भी हो जाएगा तो उसके हाथ कुछ लगेगा, ताकि जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा आप क्या कीजिए, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा आप जो है वो प्रिकॉशन और सिक्योरिटी फीचर रखिए, ताकि डेटा जो है वो किसी का भी जो है वेस्ट ना जाए। यहाँ पे एडिक्वेट फैसिलिटी अरेंजमेंट इंक्लूडिंग इंश्योरेंस फॉर इंडेमनिफाइंग द बेनिफिशियल ओनर, ये सब तो आपका जो है इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, डेटाबेस, सर्वर मल्टीपल जगह पे, क्योंकि उसी में सब लोगों का इंफॉर्मेशन है कि कौन किस कंपनी के शेयर होल्डर है, कितना शेयर किसके पास गया, पता चला फिजिकल मैनर में वहां आग लग गया, भाई सब कुछ हो रहा है इलेक्ट्रॉनिक मैनर में, लेकिन डेटा जहां स्टोर होता है वो बताइए फिजिकल सब्सटेंस होता है या नहीं? यस सर। हार्ड डिस्क कहीं ना कहीं तो होगा, आपके सिस्टम का हार्ड डिस्क है। अगर मान लीजिए कि आप कहते हैं गूगल ड्राइव पे रख दिया, ड्राइव पे ही रख दिया, मुझे की बताइए ड्राइव पे आपके लिए ना, आपको ड्राइव नहीं दिख रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये ड्राइव फिजिकल मैनर में है या नहीं, नट वोल्ट पे कसा हुआ चीज है या नहीं, मैग्नेटिक टेप वहां लगा हुआ है या नहीं? यस सर।
और यही वजह है कि गूगल वगैरह कहते हैं बहुत सिक्योर है, क्योंकि इन्होंने अपना अलग अलग लोकेशन में जो है वो सर्वर रखा हुआ है। और उससे होता क्या है, अगर मान लीजिए कि किसी कारण से सुनामी आया, भूकंप आया, कुछ भी हो सकता है, एक रीजन में आया वो डिस्ट्रॉय हो गया, मकान ही पूरा गिर गया, वर्ल्ड ट्रेड टावर को जब उड़ाया जा सकता है तो ऐसा कोई भी मिसहैपनिंग हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो भी नुकसान नहीं होगा, क्योंकि दूसरे जगह पे डेटा लोकेटेड है और वो डेटा वहां से काफी दूरी पे अलग अलग ज्योग्राफिकल रीजन पे लोकेटेड है। यही सारा सिस्टम का आगे हम आपका देखेंगे कैसा है। और अगर सब ठीक रहा तो एक और भी चीज है कि आपने एडिक्वेट फैसिलिटी दी हुई किस चीज के लिए, अगर बेनिफिशियल ओनर जो है वो हम और आप हुए जो डीमैट अकाउंट होल्डर होते हैं, कल के डेट में डीपी के डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के गड़बड़ी के कारण अगर किसी भी शेयर होल्डर्स को डीमैट अकाउंट होल्डर को कोई नुकसान होता है, समय पे उनके चीजें उन्हें नहीं मिलती है, तो ऐसे केस में जब वो आएंगे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास, तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट अगर अनाकानी करता है तो आप डायरेक्टली जाइए उसके डिपॉजिटरी के पास, सीडीएसएल या एनएसडीएल के पास, और उनका काम है कि वो बेनिफिशियल ओनर जो है वो उनको पे करे और बाकी वसूली का कार्यक्रम किससे कर ले बाद में, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से। लेकिन मुझे बताइए डिपॉजिटरी के पास उतना पैसा होगा तब ना, तो कहा अगर पैसा नहीं तो उसके लिए पहले से क्या करा के रखिए, इंश्योरेंस। पता है आपको कंपनी सेक्रेटरी चार्टर्ड अकाउंटेंट हम सारे लोगों का इंश्योरेंस भी है कराया हुआ, कि अगर हमने किसी को कोई ओपिनियन वगैरह दिया और सामने वाला बंदा अगर कहता है कि आपके ओपिनियन और आपके जो है वो कंसल्टेंसी के कारण हमको लॉस हो गया, तो वो लॉस अगर करोड़ों का दे देगा तो बताइए क्या कंपनी सेक्रेटरी चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए पॉसिबल है वो करोड़ों का जो है वो तुरंत क्या कर दे, भरपाई कर दे, इज इट पॉसिबल? नो सर। तो इसके लिए भी इंश्योरेंस होता है, वो इंश्योरेंस का प्रीमियम दीजिए, कल के डेट में अगर कोई ऐसी नौबत आई तो डायरेक्टली इंश्योरेंस कंपनी उनको क्या करेगी, पे करेगी। अगर वो बोनाफाइड निकले तो कोर्ट में जा करके जीत भी जाते हैं तो भी आपको पैसे नहीं देना है, कौन पैसे पे करेगी, इंश्योरेंस कंपनी। यही डॉक्टर के साथ भी होता है, डॉक्टर भी जो है वो प्रैक्टिशनर जो होते हैं वो अपना इंश्योरेंस वगैरह करवाते हैं, ये सरकारी नहीं गवर्नमेंट डॉक्टर है, लेकिन हर प्राइवेट डॉक्टर अपना आजकल के डेट में अपने वर्किंग और कंसल्टेंसी का इंश्योरेंस करवाते हैं, जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट वगैरह आज के डेट में बहुत स्ट्रिक्ट और स्ट्रॉन्ग है। तो आपने वो फैसिलिटी वो इंश्योरेंस करवाया हुआ है या नहीं, अगर ये सब हमें सही लगा तो भी हो सकता है हम आपको किस चीज के लिए बुला सकते हैं, पर्सनल रिप्रेजेंटेशन, ओनर जो है उनको बुला सकते हैं कि देखे तो जरा कि इनकी नियत क्या है। कभी कभी क्या होता है कि बात करने से पता चलता है कि इनका इरादा आगे मार्केट में फ्रॉड करने का है या इनका इरादा जो है वो बिजनेस को चलाने का है, दो अलग अलग चीजें हैं। बहुत सारे लोग सिक्योरिटीज मार्केट में इन्हीं इसीलिए करते हैं, चाहे वो इंटरमीडियरीज बनना चाहे, चाहे वो कुछ भी बनना चाहे, इसीलिए कि इसी रास्ते से हम क्या करेंगे, कोई फ्रॉड करेंगे। ब्रोकर हर्षद मेहता भी थे, ब्रोकर और भी थे, ब्रोकर का लाइसेंस लेने के बाद उन्होंने फ्रॉड किया या नहीं किया, जो भी हो कानून के अकॉर्डिंग तो वो क्या निकल करके आया, फ्रॉड, एक स्कैम निकल करके आया। तो यहाँ पे जो है वो बुला सकते हैं पर्सनल रिप्रेजेंटेशन के लिए, और भी अगर कोई इंफॉर्मेशन वो मांगते हैं तो जो एप्लीकेंट है वो चाहे तो दे चाहे तो ना दे, क्या लिखा हुआ है, कंपल्सरी है, देना ही पड़ेगा। और अगर सब कुछ आ गया भैया ऑल इज वेल, तब आपको क्या मिल जाएगा, सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस का मतलब है अब आप एनएसडीएल सीडीएसएल बन गए। अगर आप बन गए तो अब आप यहां से अपना बिजनेस स्टार्ट कीजिए। बिजनेस स्टार्ट करने का मतलब एडवर्टीजमेंट कीजिए, जोर शोर से मार्केटिंग कीजिए, ताकि ताकि ज्यादा से ज्यादा कंपनी आपको अपना क्या बनाए, डिपोजिटरी। अपना सारा का सारा डेटाबेस जो फिजिकल फॉर्म में आरटीए के पास होता था, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सारे आपके पास रहेंगे और वो सारा डेटाबेस आप तक देंगे। अब आपको मैनेज करना रहेगा कि उनके शेयर होल्डर कौन है, जिस समय कभी भी उन्हें डिटरमाइन करना रहा कि उनके शेयर होल्डर कौन है, वो आप ही से वो सर्विस लेंगे, आपको कहेंगे बताने, इस चीज के लिए आपको पे करेंगे। दूसरा, आप अपने भीतर ज्यादा से ज्यादा क्या बनाइए, डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट बनाइए। ये दोनों आपके बिजनेस है, आप इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अब बताइए यहाँ पे जब आप रजिस्ट्रेशन, ये जो लिखा हुआ मैक्सिमम वन ईयर, ये टाइम को आप कैलकुलेट कर पाए कहां से ये है मैक्सिमम वन ईयर, सर फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। हाँ जी, आप कब पैसे दिए उससे मतलब नहीं है, ये डेट बेसिकली क्या है, ये उस दिन से है जिस दिन से आपको क्या मिलता है, रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट मिला था, वहां से लेकर के कितने दिन का समय आपके पास,
एक साल का समय है, क्यों एक साल का समय दिया गया? जरा कभी ये सोचा है कि जब प्राइमरली रजिस्ट्रेशन मिल गया उसके बाद आप जो है वो फिजिकल सारे चीजों को सेटअप कीजिए, पता चला कि सारा जो है वो जो तामझाम जमा कर दिया है, इतने नेटवर्थ ये वो सब लगा दिया है, सब कुछ जो है वो खरीद के ले आए हैं, और उसके बाद कहीं कोई गड़बड़ी निकल गई तो क्या आपको लाइसेंस मिलेगा? नो सर। इसीलिए उन्होंने कहा कि पहले आप पेपर पे बता दो कि ये चीज ऐसे ऐसे रहेगा तो मिलेगा कि नहीं, और उसके बाद हम आपको समय देते हैं उस चीज को खड़ा करने के लिए, कितना? एक साल। अगर उतने दिन में भी नहीं होता है तो आपके रजिस्ट्रेशन अमाउंट वो सारे चीज फॉरफिट हो गए, फिर से कहां से आपको शुरू करना है? एप्लीकेशन। क्लियर है ये बात? यस सर। अब पूरे प्रोसेस को जो है हम रिकैप करने वाले हैं, और तब मैं आपसे पूछूंगा कि इसमें कहीं कोई दिक्कत या नहीं, क्योंकि प्रोसेस जो है वो कभी भी घर जाके नहीं रखना है, क्लास के भीतर हमारा प्रोसेस खत्म रहना चाहिए, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछ देता है प्रोसेस, 5 मार्क्स नहीं 7 मार्क्स का पूछ देता है। अब आपका ध्यान जो है वो इधर नहीं, स्क्रीन पे जो लिखे वाले पे नहीं, मेरे गंदे से थोबड़ा चाहे कितना भी खराब क्यों ना, इधर ध्यान से देखिएगा और तब जवाब दीजिएगा। फर्स्ट स्टेप बताइए, स्पॉन्सर सेल मेक एप्लीकेशन टू होम? सेबी। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ क्या क्या रहेगा अटैचमेंट? तो 3 चीज गया, एप्लीकेशन फॉर्म, एप्लीकेशन मनी और बायलॉज। क्लियर? यस सर। इन चीजों के जाने के बाद सेबी उसका क्या करेंगे? वेरिफिकेशन करेंगे। वेरिफिकेशन करेंगे तो 2 बातें होंगी, डिफेक्ट मिलेगा या नहीं। पहला ऑल इज वेल, पहले अच्छा वाला कर लेते हैं, सब ठीक है। रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे, तो आपको रजिस्ट्रेशन, आपको जो रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन देंगे, अगर उसमें कहीं कुछ कमी है तो 30 डेज का टाइम रहेगा डिफेक्ट को दूर करने के लिए। आपको डिफेक्ट 30 डेज में दूर करके क्या दोबारा से एप्लीकेशन फी देना है? नो सर। आपको कोई फी वगैरह नहीं देना है, उसे सबमिट कर दीजिए, ठीक है? सबमिट कर दिया, फिर वो चेक करेंगे सब कुछ ठीक है, आपको क्या मिल गया? रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिल गया। अब आप रजिस्ट्रेशन फी जमा करने के लिए कितना समय है? 15 डेज। अगर आपने 15 डेज में नहीं किया, काम खत्म, पूरा प्रोसेस वहीं पे खत्म हो गया। लेकिन प्रोसेस खत्म नहीं करना, ये मत बोलिएगा सर हमारा प्रोसेस यहीं पे खत्म हो गया, हम इतना ही लिखेंगे, नहीं नहीं आगे बढ़ना रहेगा। तो अब आपने फी जमा कर दिया, तो अब आप क्या बिजनेस शुरू कर सकते हैं? नो सर। आपके पास समय है कितने दिनों का? 1 ईयर। मैक्सिमम 1 ईयर। सारे तामझाम पूरे कर लीजिए और आइए और एप्लीकेशन दीजिए। किस सर्टिफिकेट के लिए? सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। तो सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के लिए आपने अप्लाई किया, अब वो आपके सारे चीजों का वेरिफिकेशन करेंगे। इसमें मेजरली आपका नेटवर्क चेक होगा, आपका नेटवर्क सिस्टम वगैरह चेक होगा, आपने इलेक्ट्रॉनिक जो इंतजाम किए वो चेक होगा, आपने डेटा को रिटेन करने का, रिट्रीव करने का क्या सिस्टम रखा है, बैकअप वगैरह का क्या इंतजाम किया है। अगर कहीं किसी तरह का गड़बड़ हो जाता है इलेक्ट्रॉनिकली, तो सर्वर एक ही जगह या एक से ज्यादा जगहों पे है, आपने इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन टेक्नोलॉजी का यूज किया है या नहीं, ताकि बीच में अगर कोई हैकर इन भी करे तो उसे कुछ ना पता चले कि ये ऑर्डर था या ये क्या लिखा हुआ था, आपने इंश्योरेंस का प्रॉपर इंतजाम किया या नहीं कि कल के डेट में आपके जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट होंगे उन डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ने बेनिफिशियल ओनर को कुछ नुकसान पहुंचाया या सही से काम नहीं किया, उनको कुछ नुकसान हुआ तो उस चीज की कैसे भरपाई की जाए, इसके लिए आपने इंश्योरेंस वगैरह कराया है या नहीं। अगर सब कुछ ठीक है और सेबी को लगता है कि अब किसी इंफॉर्मेशन की जरूरत नहीं है तो ठीक है भाई, इतने के बाद ही आपको सीओ सेबी दे देंगे, लेकिन अगर उनको लगता है कि पर्सनल रिप्रेजेंटेशन की रिक्वायरमेंट है, हमें जानना है कि ओनर कौन है, जरा मिले उनसे, बातचीत करें, उनका इंटेंशन समझे, या कोई और डॉक्यूमेंट आपसे मंगवाते हैं, तो आपको वो डॉक्यूमेंट क्या करना पड़ेगा? देना पड़ेगा। और उन डॉक्यूमेंट को देखने के बाद अगर उन्हें सब ठीक लगा तो आपको क्या मिल गया? सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस। और सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस मिलने का मतलब है कि अब आप डिपोजिटरी की तरह क्या कर सकते हैं? काम कर सकते हैं। बनिए कंपनी का डिपोजिटरी और बनाइए अपने भीतर ढेर सारा डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट। अब इसमें एक आस्पेक्ट बस आता है और वो आस्पेक्ट है
कि अगर आपको डिपोजिटरी का लाइसेंस मिल गया तो क्या जब तक सूरज चांद रहेगा डिपोजिटरी तेरा नाम रहेगा, या इसमें कुछ रिन्यूअल का भी पीरियड है, या लाइसेंस में कोई टाइम फ्रेम भी होता है? Yes, तो कहा गया ये ध्यान रखिएगा, डिपोजिटरी के केस में कहीं कोई टाइम फ्रेम नहीं है। अगर इन्होंने कॉन्ट्रावेंशन नहीं किया, और वैसा कॉन्ट्रावेंशन जिसके लिए पनिशमेंट क्या हो, लाइसेंस का क्या होना, सीज होना, तभी जो है वो क्या होगा, इनका लाइसेंस सीज होगा। अदरवाइज इनका लाइसेंस हमेशा क्या रहेगा, वैलिड रहेगा, जब तक कंपनी वाइंड अप नहीं होती है। फिर से कह रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, जब हम पढ़ेंगे इंटरमीडियरीज तो बड़े सारे, ये भी इंटरमीडियरीज है, बड़े सारे इंटरमीडियरीज को लाइसेंस मिलता है, उसमें वैलिडिटी टाइम होता है 3 साल 5 साल, रिन्यूअल, बहुत सारे चीज होते हैं। इसमें इन्होंने कहा कि आपको तब तक जो है वो कहीं कोई इशू नहीं आएगा जब तक आपने कोई ऐसा कॉन्ट्रावेंशन भी नहीं, ऐसा कॉन्ट्रावेंशन जिसके लिए पनिशमेंट क्या है, लाइसेंस का सीज होना, तभी आपका जो है वो लाइसेंस जाएगा। मुझे एक बात बताइए, अगर मैं कहूं कि अगर कोई रास्ते पे चलते हुए किसी आदमी को जो है वो एक तवड़ाक मार दिया, एक थप्पड़ धरा दिया, तो उसे तो फांसी हो जाएगी? नो सर। तो हमारे देश में पनिशमेंट नहीं है, कैपिटल पनिशमेंट नहीं है हमारे देश में, फांसी की सजा नहीं है हमारे देश में? इसका मतलब, इसका मतलब वो क्राइम डिफाइन है जिसके लिए क्या होगा, फांसी होगा। तो ठीक वैसे यहां पे भी आपका जो लाइसेंस सीज होगा वो बहुत बड़े ऑफेंस के लिए है, ये नहीं कि कोई छोटा सा कॉन्ट्रावेंशन हुआ। छोटा सा कॉन्ट्रावेंशन होगा तो क्या लगेगा, फाइन पेनल्टी। उससे बड़ा है तो और बड़ा फाइन पेनल्टी, जब बहुत बड़ा होगा तभी जाकर के लाइसेंस आपका क्या होगा, सीज होगा। क्लियर है ये? Yes, sir. तो अब यहां पे जो है आप इसको लिखे नहीं थे, ये तो लिख लिया था यहां तक, तो अब आप पहले इस दोनों को लिखें, ये दोनों स्लाइड लिखें, और इसके बाद हम पहुंचेंगे इसी तरह से डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट पे। अभी हमने डिपोजिटरी बनने के लिए कौन कौन इलिजिबल स्पॉन्सर है ये जान गए, प्रोसेस भी जान गए हैं, कॉपी कर लीजिए तो और बात करते हैं। लेकिन कॉपी करने से पहले बता दीजिए, कुछ इसमें दिक्कत है कहीं, कोई एक लाइन भी, एक शब्द भी? नो सर। प्रोसेस पूरा याद हो गया? यस सर। तो अब आप लिखते वक्त ईमानदारी से थोड़ा ईमानदारी आप भी बरतिए, लिखते वक्त कहीं और ध्यान नहीं, एकदम इसी पे ध्यान रखते हुए आप लिख करके देखिए, देखिए और अच्छे से वो जो है वो आपके दिमाग में चला जाएगा, बाद में रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अभी के अभी ध्यान हो जाएगा। चलिए डन कीजिए और तब मुझे फटाक से बताइए। सर फॉर्म नंबर लिखने? हाँ लिखना सब कुछ है, लिख के रख लीजिए, कॉपी की क्या बढ़ाएगा, शोभा बढ़ाएगा। हम आपसे ये उम्मीद नहीं करते कि आप वो फॉर्म नंबर क्या करें, लिखें एग्जाम में, कोई मार्क्स नहीं कटेंगे फॉर्म नंबर नहीं लिखने पे, एक जरा सा भी। क्लियर है बात? अब फिर कंफ्यूज होकर के बार बार मत कीजिएगा, सर अगर लिख दिया तो अच्छी बात है, नहीं लिखा एक भी मार्क्स, कोई नेगेटिव, कुछ भी इसका इफेक्ट नहीं है। क्लियर है? ठीक है, लिखिए। सर डन, सबका डन, नेक्स्ट पे आओ। यस सर। ओके,
सर डन सबका डन यस ओके देखिए हमारा तीन बेसिकली कंपोनेंट किस चीज के कंपोनेंट बोलिए डिपॉजिटरी सिस्टम का फर्स्ट कंपोनेंट पढ़ लिया हु आर एलिजिबल टू वर्क एज डिपॉजिटरी उसका प्रोसेस भी पढ़ लिया यस सर अब हमला कहां करेंगे डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट और हमले में पहला हमला किस बात पे कौन कौन एलिजिबल एलिजिबल दैट मींस एलिजिबल फॉर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट या एलिजिबल स्पॉन्सर फॉर वर्क टू वर्क एज डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट सही वर्ड क्या है एलिजिबिलिटी ऑफ स्पॉन्सर टू वर्क एज व्हाट डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट लेकिन अगर एग्जाम में पूछ दिया एलिजिबिलिटी ऑफ डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट तो जैसा मैंने कल भी आपको वार्न किया था क्या वहां पे लिख करके आएंगे कि काइंडली फ्रेम द क्वेश्चन प्रॉपरली बिल्कुल सही आइए अब जरा देखते हैं कि कौन कौन जो है वो एलिजिबल है डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बनने के लिए और यहाँ आप खुद देखिएगा कि आपको दिख जाएगा कि सर यही वजह है कि जितने भी आज बैंक है वो सारे बैंक में डीमैट अकाउंट ओपन होता है इसका मतलब उन सारे बैंक में डीमैट अकाउंट ओपन होता है इसका मतलब क्या उन्होंने डीपी का भी लाइसेंस लिया होगा या सिर्फ बैंक का लाइसेंस लिया है डीपी का भी लाइसेंस और यही वजह है कि आप देखते होंगे कि SBI हो PNB हो ICICI हो सारे जगह सेविंग के साथ साथ वो क्या कर लेते हैं बैंक अकाउंट भी ओपन कर लेते हैं क्योंकि उनके पास ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर है अवेलेबल करते हैं बात सबसे पहले एलिजिबिलिटी ऑफ स्पॉन्सर फॉर डीपी PFI एज इट इज है क्या इसमें कुछ बताने की जरूरत है नो ये हमारा ऑलरेडी जो है वो किया हुआ है जाना हुआ है बैंक ये भी हमें पता है और यहाँ पे इसी बैंक में सबसे ज्यादा बैंक जो है आपके क्या है आज के डेट में डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट सोचिए जरा इंफ्रास्ट्रक्चर स्टाफ इक्विपमेंट टेक्नोलॉजी सब कुछ तो है ही उनके पास मतलब ये कि एक दुकान है उस दुकान में ऑलरेडी आपका जो है वो कहिए कि जगह है आप सब कुछ रखे हुए हैं अगर मिल्क भी रख लेते हैं तो होगा क्या आप ही के जो कस्टमर है वो आप करके आपसे से दूध ले जाएंगे किराना दुकान है आपका तो आपका कोई कस्टमर बेस है या नहीं वही लोग आएंगे और वही लोग आपसे दूध की थैली भी ले सकते हैं और वही लोग आइसक्रीम भी ले सकते हैं तो आप देखते हो कि अक्सर किराना दुकान वगैरह जो होता है जो ग्रोसरी का शॉप है वहां पे आप देखिएगा कि आपको दूध आइसक्रीम ये सब का भी छोटा सा क्या रखा था कोल्ड ड्रिंक इन सब के भी चीजों को रखा रहता है यही चीज है बैंक का स्टाफ वही सब कुछ वही इक्विपमेंट है सब कुछ उनके पास है इंफ्रास्ट्रक्चर है तो वो बैंक जो है वो क्या बन जाते हैं साथ में डीपी जब वो बैंक में आप बैंक अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो किस कैपेसिटी में काम कर रहा है SBI बैंक और जब आप SBI में डीमैट अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो डिपॉजिटरी इसका मतलब वो बैंक है और डीपी के तरह भी काम करने का उसको क्या लेना पड़ेगा लाइसेंस लेकिन वो इलिजिबल है या नहीं ये लाइसेंस लेने के लिए प्रोसेस जरूर फॉलो करेगा पहले इलिजिबल होगा तो प्रोसेस के बारे में सोचेंगे या पहले प्रोसेस ही कर लेते बाद में इलिजिबिलिटी सोचेंगे ठीक है तो पहले इलिजिबिलिटी तो बैंक इलिजिबल है डीपी बनने के लिए लेकिन कंपलसरी है कि जो बैंक है उसको डीपी बनना ही पड़ेगा नो सर बहुत सारे ऐसे बैंक है जो डीपी नहीं है अब फॉरेन बैंक जानते हैं हम फॉरेन बैंक के भी बारे में अब यहां बताइए यहां फोर्थ कंडीशन में क्या होता था डिपोजिटरी के केस में फोर्थ पॉइंट पे क्या था स्टॉक एक्सचेंज अब बस थोड़ा सा तो चेंज अभी आया है यहाँ पे स्टॉक एक्सचेंज की जगह क्या है SFC अब आपको कुछ याद आ रहा है मैंने बोला था कि डिपॉजिटरी सिस्टम पढ़ाते हो तो आपका SFC का जिक्र होगा आया जिक्र yes, sir.
Yes, और वहां बोला था PFI भी रहेगा साथ में। अब बताइए मुझे, हमने पिछले क्लास में भी डिस्कशन किया था PFI और SFC, ये दोनों क्लियर है? Yes, sir. तो बताइए PFI क्या करता है? सर इंडस्ट्रियल लोन देता है नेशनल लेवल पर, इंडस्ट्रीज वगैरह को लोन देता है इंडस्ट्रीज के डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए। और SFC स्टेट के लिए होता है सर, वो भी वही करता है पर स्टेट लेवल पर लोन। सेम काम किस लेवल पे? स्टेट लेवल पर। ठीक है, अब यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट में देखिए क्या चेंजेस है, और इसे जो है वो कोरिलेट करना है आपको पिछले से। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको समय दे रहा हूँ इसके लिए 1 मिनट का, और मुझे देखना है कि आपका किडनी काम कर रहा है या सिर्फ मेरे भरोसे आगे बढ़ रहे हैं। फिफ्थ पॉइंट खुद से समझना है, क्योंकि ये पॉइंट ऑलरेडी यहाँ वाला जो आपके कॉपी में लिखा हुआ है, तो अपने कॉपी के सामने में इस पॉइंट को निकाल के रखिए फिफ्थ पॉइंट को, क्योंकि अभी लिखना नहीं है। और स्क्रीन पे आपके रहेगा ये पॉइंट, ये वाला, ताकि आप स्क्रीन पे ये देख सके। मुझे आप ये बताएंगे कि ये फिफ्थ पॉइंट यहाँ क्या कह रहा है, और वहां के फिफ्थ पॉइंट और यहाँ के फिफ्थ पॉइंट में क्या डिफरेंस है। और ये मैं अपने अकॉर्डिंग करूंगा, मैं शिकार ढूंढूंगा। 1 मिनट का मैंने समय दिया, एकदम ध्यान से बात क्लियर है, या ये नहीं 1 मिनट के बाद बोलिएगा सर जरा रिपीट कीजिए क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन समझ में आया? इसके फिफ्थ पॉइंट को कॉम्प्रिहेंड करना है, समझना है, और इसे कोरिलेट करना है कहां के फिफ्थ पॉइंट से? एलिजिबिलिटी डिपॉजिटरी। क्लियर है, यस या नो? सोचिए, मैं नहीं बोलूंगा ना कोई बीच में बोलेंगे, मैं सिर्फ जिनसे पूछूंगा वो जवाब देंगे। पूरे स्क्रीन पे लीजिए, ये ऐसे क्यों, ये लीजिए। मुझे सबसे ये आंसर चाहिए, वरना फिर मैं टेक्निकल चीजें नहीं बताऊंगा। मैं जो पूछूंगा तब बोलेंगे, आपका समय शुरू हो चुका है। बताइए अंश। यस सर। सर दोनों में बस ये डिफरेंस है कि सर जो वो वाला था उसमें 75% ऑफ इक्विटी कैपिटल कंपलसरी था, और सर इसमें नहीं है। तो इसमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए इसमें क्या लिखा है सर? इसमें बस एंगेज्ड होना चाहिए और प्रमोटेड बाय इंस्टीट्यूशन मेंशन्ड अबव। तो प्रमोटेड बाय है और अमाउंट नहीं लिखा, इसका क्या मतलब? सर कंपलसरी नहीं होगा इसके लिए कोई भी, जैसे फर्स्ट वाले केस में था। अच्छा जी, निशांत। सर फर्स्ट वाले केस में इक्विटी होल्डिंग ऑन लेके इसमें सिर्फ प्रमोटेड करोगे इंस्टीट्यूशन को तो चलेगा। थोड़ा तेज बोले, थोड़ा तेज बोले। इसमें सिर्फ होल्डिंग, सर इस वाले केस में इक्विटी होल्डिंग के बारे में कोई वो नहीं है क्राइटेरिया, इसमें सिर्फ ये है कि इंस्टीट्यूशन प्रमोटेड करा जाना चाहिए पहले 4 ऑप्शंस में। ओके विक्रम। सर इसमें बस प्रमोटेड होना चाहिए, मतलब कोई स्पेसिफिक लिमिट नहीं दे रखी, जैसे पहले वाले में थी 75% होनी चाहिए, इसमें बस प्रमोटेड होना चाहिए इनमें चारों में से कोई भी। कौस्तु, उन्होंने हैंड रेज किया, बताएं। फर्स्ट वाले में था एनी बॉडी कॉर्पोरेट और इसमें एनी इंस्टीट्यूशन है और परसेंटेज की वैल्यू। पहले वाले में क्या था सर? पहले वाले में था एनी बॉडी कॉर्पोरेट और इसमें एनी इंस्टीट्यूशन है और परसेंटेज में इसमें नहीं है। नहीं, ये दोनों आपका एक ही चीज हो गया, बस यहाँ जो चेंज है इंस्टीट्यूशन बॉडी कॉर्पोरेट वो एक कह रहे हैं,
बस एक जो पॉइंट आप लोग कह रहे हो बिल्कुल सही है, और वो ये है कि वहां लिखा हुआ है कि कितना उनके पास स्टेक होना चाहिए, 75%। और यहां पे कह रहे हैं कि अगर एक एक शेयर भी है तो चलेगा, हो सकता है ये एक शेयर जो इनके पास है वो शायद 0.00001% हो या उससे भी कम हो, पॉसिबल है या नहीं? यस सर। बस उनके द्वारा प्रमोट होना चाहिए ये, बस। चलिए क्लियर, गुड। एक कस्टोडियन हु हैज एक्वायर्ड सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम सेबी। अब देखिए यहाँ और कौन कौन एलिजिबल है। कस्टोडियन याद आ रहा है कुछ, इंटरमीडिएट में पढ़ाया था? यस सर। और क्या बोला था कस्टोडियन के बारे में और डिटेल में, कहाँ पढ़ाऊंगा? डीपी में। कहा? इसमें डिटेल बोला था पढ़ाऊंगा, मुक्का ना मारू मैं आपको। वेरी गुड, म्यूचुअल फंड में कहा था कि ये कस्टोडियन के बारे में बहुत डिटेल से बहुत शानदार चीज आपको बताऊंगा जब क्या पढ़ाऊंगा, म्यूचुअल फंड, वहां भी याद रखिएगा। आपको बताया भी था कि कस्टोडियन का काम अपने कस्टडी में चीजों को रखना है, तो म्यूचुअल फंड में जो बहुत सारे सिक्योरिटीज अलग अलग इंस्ट्रूमेंट खरीदे जाते हैं वो किनके कस्टडी में रख दिए जाते हैं? कस्टोडियन के। कोई बात नहीं, कस्टोडियन तो आप जान रहे हैं, yes, पढ़ा है हमने इंटरमीडिएट में। अगर किसी ने कस्टोडियन का लाइसेंस लिया हुआ है तो वो चाहे तो अप्लाई कर सकता है और क्या बन सकता है, डीपी भी बन सकता है। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन, इसमें अच्छे से लिख लीजिएगा, जब लिखना शुरू कीजिएगा उस समय कर लीजिएगा। क्या लिखा है? रेफर टू स्टॉक एक्सचेंज यूनिट। जब मैं इसके बाद वाला ही हमारा यूनिट जो होगा स्टॉक एक्सचेंज यूनिट होगा, एक ही बार उसमें पांच चैप्टर आपके खत्म होंगे, जब स्टॉक एक्सचेंज शुरू होगा तो पांच चैप्टर पे आपके टिक लग जाएगा। तो यहाँ कह रहे क्लियरिंग कॉर्पोरेशन बेसिकली होता क्या, थोड़ा सा बस बतला देता हूं ताकि एक्यूरेसिटी थोड़ी सी खत्म रहे। हम जब शेयर्स खरीदते हैं तो शेयर्स खरीदते हैं तो बताइए खरीदने वाला क्या देगा, पैसा या शेयर? जब कोई इंफोसिस का शेयर खरीदना चाहेगा सेकेंडरी मार्केट से स्टॉक एक्सचेंज से तो वो पैसा देगा या शेयर? पैसा। और अगर वो शेयर खरीद रहा है तो तभी खरीद पाएगा जब कोई बेच रहा होगा या छीन के लाएगा? बेच रहा होगा। तो जो बेच रहा है उसके पास क्या पहुंचना चाहिए? पैसा। और उसके पास से क्या जाना चाहिए? शेयर। जो खरीद रहा है उसके पास से क्या जाना चाहिए? पैसा। और उसके पास क्या आना चाहिए? यही काम करने की जिम्मेदारी, ये जो सेटलमेंट है कि मैंने अगर बाय ऑर्डर प्लेस किया है तो मेरे पास मेरा इंस्ट्रूमेंट आए, और किसी ने सेल ऑर्डर प्लेस किया तो उसके पास उसके क्या पहुंचे, इसी चीज को कहते हैं सेटलमेंट। और यही सेटलमेंट करने की जिम्मेदारी, करवाने की जिम्मेदारी किसके ऊपर है? क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। ये बेसिकली स्टॉक एक्सचेंज का जो है वो एक एक्सटेंडेड आर्म होता है, जो स्टॉक एक्सचेंज में खरीदे गए, जिस भी स्टॉक एक्सचेंज में आप जो भी इंस्ट्रूमेंट खरीदते बेचते हैं उस इंस्ट्रूमेंट के सेटलमेंट की जिम्मेदारी उस स्टॉक एक्सचेंज के क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के ऊपर है। लेकिन क्लियरिंग कॉर्पोरेशन की तरह काम आप तभी कर पाएंगे जब आपने सेबी से क्या लिया हुआ है, लाइसेंस लिया हुआ है टू वर्क एज वॉट, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन। तो अगर आपने ये चीज उनसे लिया हुआ है तो ऐसे केस में आप चाहे तो साथ में क्या अप्लाई कर सकते हैं, क्या बनने के लिए? डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बनने के लिए। याद रखिएगा मैं पूछूंगा क्लियरिंग कॉर्पोरेशन जब वहां आएगा पूरा सेटलमेंट का मैकेनिज्म बताऊंगा, कैसे पैसे किधर से निकले, कैसे पहुंचे, पे इन पे आउट, बड़ी सारी बातें हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे बहुत टेक्निकल चीजों को जानेंगे, और ये ज्यादा दूर नहीं है, इसके बाद वाला यूनिट जो रहेगा वो वही रहेगा हमारा। आइए और आगे बढ़ते हैं। स्टॉक ब्रोकर का नाम सुना है आपने? इंटरमीडिएट में पढ़ा था। अब देखिए सबके काम सबके बहुत चीज दिखते जाएंगे। स्टॉक ब्रोकर अगर आप हैं तो स्टॉक ब्रोकर का लाइसेंस आपको ऑलरेडी मिला है, किससे मिला है? लेकिन ये नहीं कि एरा गैरा नथू खेरा कोई भी जो है वो स्टॉक ब्रोकर आएगा और डीपी बनने के लिए क्या करेगा, अप्लाई कर देगा। सिर्फ और सिर्फ वो स्टॉक ब्रोकर
जिसका नेटवर्थ मिनिमम कितना है? 50 लाख। आप स्टॉक ब्रोकर हैं, आपका नेटवर्थ 40 लाख है, क्या आप अप्लाई कर सकते हैं डीपी बनने के लिए? नो। आज के डेट में मैं आपको बता दूं, जितने भी बड़े बड़े ब्रोकर हैं, वो सबने क्या लाइसेंस लिया हुआ है? डीपी का। इसीलिए जो डीपी आप जिनके पास जाएंगे, वहीं पे ही आपको क्या मिल जाएगा? ब्रोकर भी मिल जाएगा। बैंक जो है वो डीपी के कैपेसिटी में भी काम कर रहे होते हैं, ब्रोकर के भी कैपेसिटी में और बैंक के भी कैपेसिटी में। बस सबके वो क्या कंप्लाई कर रहे होते हैं? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं, प्रोसीजर को क्या करते हैं? फॉलो करते हैं और अलग अलग कैपेसिटी में काम कर सकते हैं। अब यहां पे देखिए, एक आस्पेक्ट लिखा हुआ है। ये जो दो आस्पेक्ट है, ये आप मुझे समझाएंगे, ये दो आस्पेक्ट आप मुझे समझाएंगे, फिर मैं आपको समय देता हूं, क्योंकि मुझे चाहिए आपसे जवाब। आप अगर जवाब नहीं देंगे तो काम ऐसे बनेगा नहीं। तो आप ये सोचिए खुद से, ये क्या कह रहा है? पोर्टफोलियो ऑफ बेनिफिशियल ओनर, इसका इस सिंबल का मतलब समझते हैं या इसमें दिक्कत है? मोर देन इक्वल, इसका मतलब होता है मैक्सिमम। अगर इजी लैंग्वेज में देखें, लेस देन और इक्वल टू का मतलब मैक्सिमम 100 times ऑफ नेटवर्थ ऑफ ब्रोकर, और लिमिट मेंशन्ड अबव नॉट एप्लीकेबल इफ नेटवर्थ इज मिनिमम 10 करोड़। क्या कहना चाह रहा है ये आप मुझे समझाएंगे। समय दिया मैंने आपको, लेकिन मुझे जवाब आपसे चाहिए। सोचिए, क्योंकि अब मैंने आपको ब्रोकर बताया है, पोर्टफोलियो का मतलब भी आपको समझाया है, तो देखो बेनिफिशियल ओनर कौन हुए, यहां आपको दिमाग लगाना है, क्योंकि सब बता दूंगा तब तो मैं ही बोल देता। फिर समय दिया मैंने 1 मिनट का, आपके सामने स्क्रीन है, लेकिन जवाब चाहिए मुझे। चलिए इस बार आते हैं हम अपने फीमेल विंग में। प्रतिष्ठा, यस सर, इसमें जो बेनिफिशियल ओनर है वो क्लाइंट है, और ये कहना चाहते हैं कि जो होल्डिंग ऑफ सिक्योरिटी है ब्रोकर के पास क्लाइंट्स की, वो 100 times मतलब मैक्सिमम 100 times होनी चाहिए ऑफ नेटवर्थ ऑफ स्टॉक ब्रोकर। और सेकंड पॉइंट कह रहा है कि अगर नहीं, फर्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है दोबारा कहिए सर। बेनिफिशियल ओनर जो स्टॉक ब्रोकर के क्लाइंट्स है वो है, और पोर्टफोलियो बेनिफिशियल ओनर मतलब कि जो क्लाइंट के पास होल्डिंग ऑफ सिक्योरिटीज है अपने क्लाइंट्स की, वो मैक्सिमम 100 times होनी चाहिए ऑफ नेटवर्थ ऑफ ब्रोकर, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। यस सर। और जो लिमिट मेंशनड अबव वाला पॉइंट है, वो कह रहे हैं कि अगर जो स्टॉक ब्रोकर की नेटवर्थ है वो 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, तो फिर ये जो पोर्टफोलियो बेनिफिशियल ओनर की लिमिट थी और जो ऊपर वाली लिमिट है वो नहीं एप्लीकेबल है। ओके गुड। हाँ जी राशि, सही कह रहे हैं या कुछ और आपको ऐड करना है? सो मेरे को इसकी कॉम्प्रिहेंशन की प्रॉब्लम है, तो मैं कुछ कह नहीं रही। ओके प्रेरणा, दिव्यांशी, अनामिका, सर बेसिकली पोर्टफोलियो ऑफ बेनिफिशियल ओनर वो होते हैं जिनकी जो मतलब जिनके ब्रोकर की नेटवर्थ होती है या तो 100 times से कम या फिर इज इक्वल टू। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि जो लिमिट उन्होंने ऊपर लगा करके रखी है नहीं एप्लीकेबल होगी अगर उनकी नेटवर्थ 10 करोड़ से या तो इज इक्वल टू है या फिर एक मिनट हाँ या तो इज इक्वल टू है या फिर ज्यादा है। अब ठीक है, अब इसको जरा और मेरे तसल्ली के लिए एक और तरीके से ध्यान से देखिए क्या कह रहा है। आप बन गए, आप हैं स्टॉक ब्रोकर, ध्यान से सुन रहे हैं? जी सर। आप बन गए हैं स्टॉक ब्रोकर, मिल गया आपको स्टॉक ब्रोकर का लाइसेंस। आपका नेटवर्थ जो है वो मान लीजिए है 1 करोड़। कितना है? 1 करोड़। एक करोड़।
आप इलिजिबल है डीपी बनने के लिए? यस सर। यस सर। आप बन गए डीपी। ध्यान से समझिएगा, ये बनने के बाद का कंडीशन है, एकदम क्लैरिटी से समझिएगा। अब आप बन गए डीपी। डीपी बनने के बाद आप क्या कीजिएगा, हवन करेंगे या कुछ काम करेंगे? काम करेंगे। कौन सा काम? छोले भटूरे बनाएंगे? नहीं, एग्जैक्टली बताते हैं क्या काम करेंगे डीपी के कैपेसिटी। डीमैट ओपन करवाने की कोशिश। डीमैट अकाउंट ओपन होगा आपके पास, आपके जो है वो क्लाइंट का। और डीमैट अकाउंट जब आपके क्लाइंट का ओपन होगा तो उस डीमैट अकाउंट में क्लाइंट अपना चावल, दाल, पिज्जा, बर्गर यही सब चीज रखेंगे। सिक्योरिटीज रखेंगे। जब वो सिक्योरिटीज उसमें रखेंगे तो हर क्लाइंट का अपना पोर्टफोलियो होगा। क्लाइंट के पोर्टफोलियो का मतलब होता है कि अगर आपका क्लाइंट मैं हूं पंकज कुमार, विक्रम जो है बन गए एक ब्रोकर से, अब डीपी बन गए, मैंने उनके पास अपना डीमैट अकाउंट ओपन किया, मैंने उनके पास जो है वो इंफोसिस का अपना जो है वो 1,00,000 शेयर रखा है 10 रुपए वैल्यू का, तो इंफोसिस के, मेरे इंफोसिस के कितने रुपए के शेयर हैं? 10 लाख। एसबीआई का मेरा 2,00,000 शेयर है 20 रुपए के रेट से, तो कितने शेयर हो गए? 40 लाख। कितने वैल्यू का? 40 लाख का। विप्रो के 5,00,000 शेयर 10 रुपए के रेट वाले, तो कितने हो गए? 50। अब ऐसे केस में मेरा जो है सिर्फ मेरा पोर्टफोलियो कितने का हुआ? 1 करोड़। तो विक्रम के पास ये डीपी है, यहाँ इनके पास मिस्टर ए, क्या मिस्टर ए ही होगा जो डीमैट अकाउंट ओपन किया होगा? नो सर। मिस्टर बी भी है, मिस्टर सी भी है। यहाँ पे विक्रम का मैंने बोला कि नेटवर्थ जो है वो मान लीजिए कि है 1 करोड़। कितना है? 1 करोड़। 50 लाख से कम तो किसी शर्त पे नहीं हो सकता, नहीं तो उनको डीपी का ही लाइसेंस नहीं मिलता। यस सर। ठीक है, अगर उनका 1 करोड़ है तो ऐसे करके बड़े सारे लोग उनके पास आएंगे, तो जब इसको ऐड करेंगे तो ये कोई वैल्यू देगा या नहीं देगा? यस सर। देगा सर। ऐसे होते 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 बहुत सारे डीमैट अकाउंट खुले। डीमैट अकाउंट खुलने के बाद 99.9 जो है सीआर ये हो गया। कौन सा चीज हो गया 99.9 सीआर? ये 1 करोड़, 3 करोड़, 6 करोड़ सबका पोर्टफोलियो जब ऐड किया तो ये इनका बन गया पोर्टफोलियो। तो इनके पोर्टफोलियो में अब इसे स्टॉक इनके डीपी के पास कितने का जो है वो इन्वेस्टमेंट हो गया, कितने का पोर्टफोलियो हो गया? 99.90 लाख हो गया। ध्यान से सुनते जाइएगा और बोलिएगा हाँ या ना। अब इनके पास जो है वो पहुंचे जो है वो निशांत, और उन्होंने कहा कि यार तू तो मेरा भाई है, तू तो बड़ा आदमी बन गया, ऐसा कर अपने ही पास ही मेरा एक डीमैट अकाउंट ओपन कर ले। तो ये पूछते हैं ठीक है कर लेते हैं, क्या है तेरे डीमैट अकाउंट का इस समय पोर्टफोलियो? तो ये कहते हैं कि मेरे डीमैट अकाउंट में इस समय जो है वो 20 लाख का जो है वो शेयर्स है। अब बताइए क्या उनका ये अकाउंट ही ओपन कर सकते हैं? नो सर। क्योंकि इनका लिमिट मैक्सिमम कहां तक जाने का है इस समय? 100 टाइम्स। वैल्यू बोलिए 100 टाइम्स। मुझे भी पता है, 100 करोड़ सर। 100 करोड़ ऑलरेडी 99.9 करोड़ पे है, 99.90 करोड़ हो चुका है, 10 लाख तक ही जा सकते हैं अपने पोर्टफोलियो में। यस सर। तो क्या ये विक्रम का डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं? नो सर। अब मैं पहुंचा, मैंने बोला कि मैं आपका टीचर रहा हूं, मेरा अकाउंट ओपन कर लीजिए, आप तो बड़े आदमी बन गए, मैं तो वहां का वहां ही छोटा आदमी, गरीब आदमी। तो ये कहते हैं ठीक है सर, कितना आपके पोर्टफोलियो में? मैं बोला मेरे पोर्टफोलियो में 1 लाख का ही शेयर है। अब ये बताइए मेरा डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं? यस सर। मेरे जैसे और 5 गरीब आ जाए तो डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं? यस सर। विक्रम जैसे एक महाप्रभु आ जाए तो उनका अकाउंट ओपन कर सकते हैं? नो सर। क्यों? क्योंकि इनका वो अमाउंट एक्सीड कर रहा है जो इनका लिमिट है 100 टाइम्स वाला। क्लियर है ये बात? यस सर। लेकिन अगर मान लीजिए कोई इनके पास अपना डीमैट अकाउंट बंद कर देता है या अपना पोर्टफोलियो रिड्यूस कर लेता है, पॉसिबल? यस सर।
तो रिड्यूस होगा। तो वैसे केस में ये दूसरा डीपी डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं या नहीं? कर सकते हैं सर, लेकिन जरा सोचिए इनके ऊपर कितना ज्यादा इफ बट बना हुआ है कि कब कम हुआ कब ज्यादा हुआ, सारा कैलकुलेशन इनको अपने पास रखना पड़ेगा। यस सर। ज्यादा सरदर्द है कि शेयर्स के प्राइस स्टैटिक नहीं होते हैं। क्या आपका दिन सुबह से लेकर शाम तक ये 10 ही रुपया पे पड़ा हुआ रहेगा? नो सर। पूरे दिन में ही हो सकता है कि इनका पोर्टफोलियो 1 करोड़ से 1.5 करोड़ हो जाए और ये 3 करोड़ वाला 2 करोड़ हो जाए। Yes, sir. ये बेचारा तो पूरे कैलकुलेशन में ही दिन भर रह जाएगा कि नया डीमैट अकाउंट खोलूं या ना खोलूं, क्योंकि अगर कॉन्ट्रावेंशन हुआ तो आपको पता है इसे भी कितना जोर से मुक्का मारेगी, जबरदस्त फाइन पेनल्टी रहेगा, लाइसेंस जाएगा। तो कहा मजबूरी है, ऐसे ही काम करना पड़ेगा। अगर इनका नेटवर्थ 2 करोड़ रहता तब ये कितने तक का पोर्टफोलियो पे जा सकते हैं? 200 करोड़। तो अगर मान के हम चले नेटवर्थ 50 लाख तो कम से कम रहेगा, तभी ये बन सकते हैं डीपी। यस सर। तो अगर 50 लाख रहा तो 100 टाइम्स का मतलब कितना करोड़ वैल्यू का हो सकता है पोर्टफोलियो? 50 करोड़। अगर 1 करोड़ हुआ तो कितना? 100 करोड़। 9 करोड़ हुआ तो कितना? 900 करोड़। सेकेंड पॉइंट भूल जाइए कि सेकेंड पॉइंट कहीं लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ इतना ही लिखा हुआ है। अब अगर 10 करोड़ है तो कितना? 1000 करोड़। 12 करोड़ है तो 1200 करोड़। अब इन्होंने एक रियायत क्या दे दी कि यहां तक तो सेम कहानी, लेकिन जैसे ही आप इस फिगर को क्या करते हैं, क्रॉस टच, क्रॉस नहीं, क्रॉस तो बड़ा बात हो गया, 10 CR ही बस हो जाए। देखिए यहां पे जो हमने लिखा है, देखिए क्या लिखा हुआ है, ग्रेटर देन है या इक्वल टू और ग्रेटर देन है? इक्वल टू और ग्रेटर देन। इसका मतलब 10 करोड़ टच करने पर भी एप्लीकेबल होगा या नहीं? क्या कुछ नहीं, कुछ वो नॉट एप्लीकेबल के लिए लेस देन। फिर से बोलिए। कुछ नहीं, वो मेरा कंफ्यूजन था, वो मैंने सॉल्व कर। हाँ जी, नहीं तो मुक्के ही पढ़ते हैं, सॉल्व नहीं होता तो। मेरा कंफ्यूजन था। हाँ जी, मैं ये एक्सप्लेन ना करता, यहाँ से पार्सल भेजता मुक्का। ये मैथमेटिक्स का बड़ा सिंपल सा है, इसका मतलब सिंपल समझिए, इफ नेटवर्थ इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, तो कोई भी चीज अगर ग्रेटर देन इक्वल टू, मैं कह रहा हूं कि 10 करोड़ से ज्यादा या 10 करोड़ के बराबर, इसका मतलब हो गया मिनिमम कि कम से कम 10 करोड़ हो जाए। तो 10 करोड़ को अगर आप टच कर जाते हैं तो वैसे केस में ये जो आपके दिए हुए हैं क्या लिमिट, 100 टाइम्स वाला लिमिट, ये एप्लीकेबल नहीं रहेगा। यानी कि ये जो 1000 करोड़ है, अब ये 1000 करोड़ नहीं होकर के जितने मर्जी उतना आप कर सकते हैं डीमैट अकाउंट में लोगों को शामिल। तो मुझे बताइए, जो भी जो है वो ब्रोकर होंगे, वो नहीं चाहेंगे कि मेरा नेटवर्क कितने का रहे, कम से कम 10 करोड़, ताकि मैं ये दिन भर का काम धंधा करूं, ना कि ये कैलकुलेशन क्या करता रहूं, प्लस माइनस करके जोड़ तोड़ करता रहूं कि कहीं मैं कॉन्ट्रावेंशन तो नहीं कर रहा हूं। ये डर उसका खत्म होगा या नहीं? Yes, sir. और मैं आपको बताऊं, इस समय जितने भी आपको मिलेंगे, जितने भी ब्रोकर जो डीपी हैं, किसी का भी नेटवर्थ जो है वो आपको जो है वो 10 करोड़ से कम नहीं मिलेगा। इसीलिए क्योंकि उससे कम रहने पे ना प्रैक्टिकली उनके लिए कर पाना क्या है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसके लिए उनको अलग से एक सॉफ्टवेयर रखना पड़ेगा, जो सॉफ्टवेयर मार्केट के प्राइस को फेच करके आपके पोर्टफोलियो के प्राइस को लगातार क्या करता रहेगा, बैलेंस को चेक करता रहेगा, ताकि वो आपको रियल टाइम में बताए कि और कितने अकाउंट क्या कर सकते हो और कितने वैल्यू का ओपन कर सकते हो। और जरा सोचिए ना, मजेदार बात, मेरा आपके पास डीमैट अकाउंट है, अब मैं जो है वो ज्यादा शेयर खरीदने लगा, अब एग्जैक्टली आप बचा करके भी 1-2 करोड़ रखना पड़ रहा है कि क्या पता कोई जो है वो आपके जो डीमैट अकाउंट होल्डर है कहीं ज्यादा खरीद लिया तो नहीं खरीद सकता वो? Yes. और अगर मुझे पता चला कि मैं ऐसे आदमी के पास हूं जो मुझे कहता है सर अगर कुछ खरीदना तो पहले मुझे क्या कर देना, बता देना, पूछ लेना मुझसे, तब करना, वरना मुझे दिक्कत हो जाएगी। तो अगर उन्हें दिक्कत हो जाएगी ये सुनकर के मुझे दिक्कत होगा या नहीं होगा? डीमैट अकाउंट में ओपन करूंगा? नो सर।
तो कहीं ना कहीं ये सब बिजनेस को इफेक्ट करता है, लेकिन लॉ है इसलिए मैंने वो बता दिया। रियल में सबका आप देखिएगा, जो भी ब्रोकर आते हैं वो सब अपना क्या करते हैं, नेटवर्थ कितना पहुंचा करके आते हैं, 10 करोड़। क्लियर है ये बात? यस पूरे तरह से। यस सर। इस पे किसी भी तरह का केस लॉ देगा तो बना लेंगे। यस सर। तो ध्यान रखिएगा, लिखते वक्त ध्यान रखिएगा, यहाँ पे केस लॉ क्रिएट कर सकता है और लिख देगा एज बीन कंपनी सेक्रेटरी एडवाइज। तो जब भी ऐसा कुछ दे देगा तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे प्रोविजन। क्या लिखेंगे? प्रोविजन, ये वाला प्रोविजन। उसके बाद क्या लिखेंगे? उसके बाद क्वेश्चन में जो आपका दिया हुआ है उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग इसको इसके साथ क्या कर देंगे, क्लब कर देंगे। दूंगा मैं क्वेश्चन ऐसा करके बाद में, पहले अभी निकलते हैं इस यहां से डीपी से, तब देंगे डीपी के बाद क्या क्या चीज बन सकता है। फिलहाल अलर्ट कर दिया तो ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। एनबीएफसी के बारे में आपने सुना है, हमने बात भी की है, ईबीसीएल में आप और डिटेल में पढ़ेंगे भी। तो एनबीएफसी जो है वो बैंक से थोड़ा अलग यही है कि आप बैंक में डिमांड डिपॉजिट कर सकते हैं, सेविंग अकाउंट में जो पैसे रखते हैं वो डिमांड डिपॉजिट कहलाता है। लेकिन यहाँ पे जो है आप डिमांड डिपॉजिट नहीं रख सकते, यहाँ पे आप एफडी करा सकते हैं, अलग अलग इनके स्कीम में उसमें पैसे लगा, ये आपको लोन भी देंगे, आप भी इनसे लोन ले सकते हैं, आप इनके पास पैसे डिपॉजिट कर सकते हैं। लेकिन आप जो है वो इनके जरिए अपना बैंकिंग ट्रांजेक्शन, इनके सारे आईएफसी कोड ये सब आप कहीं नहीं दे सकते। तो एनबीएफसी के पास पैसे हैं और एनबीएफसी क्या करता है, अपना पैसा कहीं इन्वेस्ट करेगा या नहीं करेगा? Yes, आप जरा सोचिए, एनबीएफसी अगर पैसा इन्वेस्ट करेगा तो एनबीएफसी को भी तो डीमैट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, तभी तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म इन्वेस्टमेंट करेगा। Yes. उनको भी पैसे खर्च होंगे या नहीं, एएमसी देना पड़ेगा, ट्रांजेक्शन कॉस्ट देना पड़ेगा, और ये तो और इतना ज्यादा ट्रांजेक्शन कॉस्ट करते हैं कि इनको बहुत खर्चे आएंगे कि नहीं आएंगे डीपी का? Yes, तो ये क्या कहते हैं कि अगर इनका नेटवर्थ कितना है, मिनिमम कितना है, 50 लाख, तो ये सिर्फ और सिर्फ अपने लिए क्या बन सकते हैं, डीपी। सिर्फ और सिर्फ अपने लिए डीपी बन सकते हैं। प्लीज इस बात को बहुत ध्यान से समझिएगा, सिर्फ और सिर्फ किसके लिए डीपी, अपने लिए। क्या मतलब है अपने लिए डीपी का? अपने लिए डीपी का मतलब है कि एक एग्जांपल लेता हूं, नॉर्मल घर में कोई ओकेजन वगैरह रहता है तो आप देखते हैं, अगर आपको मान लीजिए कि 1 केजी मिठाई खरीदना है, 1.5 केजी मिठाई खरीदना है, 2 केजी मिठाई खरीदना है, तो घर पे हलवाई बिठाते हैं या अच्छे दुकान से जाके मिठाई खरीद लाते हैं? मिठाई खरीद लाते हैं। ठीक से बोलिए, नहीं सुनाई दिया मुझे। दुकान खरीद के लेके आ जाते हैं या हलवाई बिठा लेते हैं? नहीं सर। घर में ओकेजन है, शादी है, किसी के भी दीदी चाचा बुआ कोई भी हो, अब जो है वो मिठाई चाहिए, दुकान से खरीद के लाएंगे या अब हलवाई बिठाएंगे? हलवाई बिठाएंगे। तो हलवाई जो है वो क्या करता है, सामान लेके आता है या सामान का लिस्ट देता है? आप सामान लाते हैं, सामान का लिस्ट दे देता है। आप तय करते हैं घी में बनेगा या जो है वो रिफाइंड में बनेगा, कैसे बनेगा, सब आपका कॉल रहता है, वो आपको सिर्फ सजेस्ट करता है और अपना मजदूरी लेता है कि अगर मैं इतने बेसन का, इतने खोए का, इतने इसका या इतने लोगों के लिए बनाऊंगा तो मेरे कारीगर के साथ मेरी इतनी जो है वो लेबर कॉस्ट होगी, यस या नो? यस सर। यस सर। वो जो मिठाई बनाया वो मिठाई आप अपने लिए कंज्यूम करते हैं, अपने गेस्ट के लिए कंज्यूम करते हैं या बाजार में जाके बेचते हैं बनवा के? गेस्ट के लिए। तो जो दुकान में बेचता है वो क्या खुद से बनाता है? वो भी हलवाई ही बिठाता है, हलवाई ही बिठाता है, लेकिन वो क्या खुद खाता है इसलिए हलवाई बिठाया है या बेचने के लिए? बेचने के लिए। तो काम तो दोनों हलवाई से ही करवा रहा है, लेकिन आप अपने घर में कंज्यूम कर रहे हैं और वो क्या कर रहा है, बेच रहा है। तो आप जब घर में कंज्यूम कर रहे हैं तो क्या आपको जो है वो एक दुकान खरीदना पड़ेगा, 4-5 स्टाफ रखने पड़ेंगे, छोटू रखने पड़ेंगे जो प्लेट में उनको सर्व करेगा, तौलने के लिए तराजू चाहिए, आपको कंप्यूटर चाहिए बिल निकालने के लिए? नो सर। नहीं चाहिए?
नहीं, लेकिन अगर आपकी इच्छा हो गई कि आप जो है वो बेचे भी, यानी मिठाई सिर्फ खुद ना खाएं बल्कि बाहर वाले को भी खिलाएं और बेचे, तो क्या करना पड़ेगा? दुकान खोलनी पड़ेगी या नहीं? यस सर। इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना पड़ेगा, कंप्यूटर सम्प्यूटर छोटे वाले रखने पड़ेंगे बिल वगैरह के लिए, तौलने का मशीन वगैरह रखना पड़ेगा या नहीं? यस सर। टेबल चेयर वगैरह बिछाने पड़ेंगे? यस सर। स्टाफ रखने पड़ेंगे, फ्रिज रखना पड़ेगा? यस सर। इन सब में कॉस्ट चाहिए नहीं चाहिए इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने के लिए? यस सर। नेटवर्थ बढ़ाना पड़ेगा या नहीं? Yes, तो यही चीज यहाँ ये कह रहा है कि अगर आप एनबीएफसी हैं, आपके पास अपना ही पैसा बहुत ज्यादा है, सिर्फ उन्हीं पैसे को आपको लगाना है, तो क्यों डीपी को उतना हर बार आप देंगे? तो खुद क्या बन जाइए? डीपी। और खुद डीपी बन के क्या कीजिए? इन्वेस्ट। सिर्फ अपने इन्वेस्टमेंट को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कीजिए, लेकिन आप किसी अपना डीमेट अकाउंट अपने पास खोलिए, किसी और का डीमेट अकाउंट आप ओपन नहीं कर सकते। और अगर ऐसा करना चाहते हैं तो अपना नेटवर्थ कितना कीजिए? 50 करोड़। रीजन समझ में आया क्यों नेटवर्थ बढ़ाइए? यस सर। खुद आपने देखा ना, अभी बताया ना, हलवाई बिठा करके बनाया और घर में खा लिए, तो घर में खा लिए तो आराम से सब घर का प्लेट लिए, मस्त होकर के खा लिए, जो भी चीज है कर लिए, यहाँ पे किसी स्टाफ और किसी और की जरूरत नहीं है तौलने के लिए। क्या सबको तौल तौल के दीजिएगा? अच्छा तुझे चाहिए, रुक जा, तुझे देता हूँ 50 ग्राम, तुझे 100 ग्राम, अच्छा फूफा जी को 250 ग्राम दे देना, ऐसे करके देते हैं? नो। लेकिन अगर यही आप बाहर जाएंगे तो इसीलिए आपको नेटवर्थ क्या करना पड़ेगा? बढ़ाना पड़ेगा। क्लियर है ये बात? यस सर। एनबीएफसी अपने लिए डीपी बनेगा, 50 लाख का भी नेटवर्थ है तो चलेगा। अगर किसी का जो है वो 50 करोड़ का और सिर्फ अपने लिए ही वो डीपी का काम करता है, तो क्या आप उसे बोलिएगा जबरदस्ती कि तुझे दूसरे के लिए भी डीपी बनना पड़ेगा, डीमेट अकाउंट ओपन करना पड़ेगा? नो सर। उसकी मर्जी है, उसका नेटवर्क ज्यादा है तो उसमें उसकी क्या गलती है? चलिए, आरटीए सुना है ये नाम? यस सर। अगर आप आरटीए हैं तो पहले आरटीए का सारा कंप्लायंस फुलफिल किए होंगे, तभी तो आपको आरटीए का सर्टिफिकेट दिया है। किसने? ठीक है। अब अगर आप साथ में कौन सा वर्क करना चाहते हैं? डीपी। तो उस केस में आरटीए के लिए जो क्राइटेरिया वो तो कीजिए, लेकिन नेटवर्थ कितना होना चाहिए? 10 करोड़ मिनिमम। अब हमेशा याद रखिएगा, ये जो फिगर होता है ना, जितने भी जगह मैं ये फिगर लिखता हूँ, इस फिगर का कोई एश्योरेंस नहीं रहता है, ना आप दे सकते हैं ना कोई और दे सकता है। अगर देता है तो वो गलत अप्रोच है, क्योंकि ये सेबी क्या करते रहती है, बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज करते रहती है। तो ये हमें कहाँ चेक कर लेना चाहिए? बिल्कुल लास्ट में, जब इंस्टीट्यूट सप्लीमेंट इशू करती है तो उस समय बस ये फिगर चेक कर लेना चाहिए कि ये फिगर यही है या इसमें क्या हुआ है, कोई चेंज है। इंस्टीट्यूट फिगर चेंज नहीं करती है, ये चेंज कौन कर सकते हैं? सेबी। लेकिन हम तक और आप तक कैसे पहुंचता है? इंस्टीट्यूट के जरिए। हम चाहे तो सेबी के वेबसाइट से भी कंफर्म कर सकते हैं। फिलहाल जो है आप इसको ही क्या करेंगे, कॉपी करेंगे। क्लियर है? यस सर। कोई दिक्कत इसमें जल्दी बोलिए। नो सर। नो। फटाक से यहां से कॉपी कीजिए, इससे पहले तक का कॉपीड है? यस सर। कीजिए कॉपी। सिर्फ जो लिखा हुआ है लिखते वक्त उसी चीज पे ध्यान रहना चाहिए, ये सब नहीं बस अब क्लास खत्म होने वाली है मम्मा तैयार रखो खाना, कुछ नहीं। सारे लोग अपना माइक प्लीज म्यूट रखेंगे, जब पूछना सिर्फ रहे तो अनम्यूट करेंगे। इनका माइक इस समय जो है वो गलती से अनम्यूट है। Thank you.
हाँ खाऊंगी यार मैं, अब कितने बार बोलूंगी तुमको। मैं आपका माइक म्यूट कर लो प्लीज। डन सर। वेट सर। ठीक है, डन करके बाकी लोग भी बताएं, जब सबका हो तो नेक्स्ट पे पहुंचेंगे। हाय नेक्स्ट पे। यस डन सर। वेट सर। ओके करके बताएं। डन। सबका डन। यस सर। अब देखिए हम लोगों ने सबसे पहले देखा कि डिपोजिटरी बनने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, देख लिया था। डिपोजिटरी का प्रोसेस देख लिया, तो हमारा वो सेगमेंट हो गया एक जो कंपोनेंट था। फिर हमने अभी देख लिया कि डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट अगर आप बनना चाहते हैं तो क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ठीक है, अब इसके बाद बात यह आती है कि हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो देख चुके हैं, लेकिन अगर हम इन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल कर लेते हैं तो क्या प्रोसेस होगा। क्योंकि आपने देखा है कि डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट का मतलब है डिपोजिटरी का पार्टिसिपेंट। डिपोजिटरी दो दो है, एनएसडीएल सीडीएस है। अगर हम डायरेक्टली इनके पास लाइसेंस लेने जाएंगे तो इनका तो मॉनेटरी कंसर्न है, किनका? डिपोजिटरी का। तो डिपोजिटरी का अगर मॉनेटरी कंसर्न है तो ऐसे केस में वो तो फटाक से लाइसेंस दे देना चाहेंगे। तो आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे सेबी का जो है इन्वॉल्वमेंट जरूरी है लाइसेंस देते वक्त? दूसरी बात, अगर सेबी ही लाइसेंस देगा तो फिर डिपोजिटरी अपने भीतर पार्टिसिपेंट बना रहा है, खुद जिम्मेदारी ले रहा है, उसे भी तो राइट में होना चाहिए कि वो तय करे कि इसे बनाए अपना डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट या ना बताए, ये नालायक तो नहीं है, कहीं नाम तो बदनाम नहीं करेगा। तीसरी बात, अगर डिपोजिटरी मोनोपोली करने लगे, क्योंकि दो ही डिपोजिटरी है तो उसके भीतर पार्टिसिपेंट तो इन्हीं दोनों के भीतर बनेंगे, कहीं वो इस चीज का बहुत फायदा उठाने लगे तो कैसे इस चीज को कंट्रोल किया जाएगा? एक डिपोजिटरी और एक से ज्यादा डिपोजिटरी का पार्टिसिपेंट अगर आप बनना चाहते हैं तो क्या बन सकते हैं, और अगर बन सकते हैं तो इसका क्या फायदा है? इन चीजों का जवाब मिलेगा आपको हमारे नेक्स्ट एपिसोड में। तो यहां तक के सारे चीजों को एकदम अच्छे से क्या कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे। तो फिलहाल आज की मेरी सारी सेवा समाप्त। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक ले टेक केयर, बाय बाय।